आदित्यस्य नमस्कारम्। ये जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्रम् नोपजायते। चलवा दे प्यारा सा बंगला बनवा दे, एक गाड़ी हो मेरे नीचे, नौकर हो मेरे आगे पीछे। भक्त तेरा मैं सीधा साधा, 56 लाख का भेज दे आधा, दूरबीन से ताड़ के दे दे, मुझको छप्पर फाड़ के दे दे। दूर मेरी कड़की कर दे, नोटों से ये झोली भर दे, तेरे गुण गाऊंगा मैं कर दे ये काम। तू है गोविंदा गोकुल वाला, मैं ठन्ना ठन ठन गोपाल। बोल हरि 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 बोल, हरे कृष्णा 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 बोल। बोल हरि 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 बोल, हरे कृष्णा 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 बोल। दिया तेरे आगे माथा, बैंक में खोल दे मेरा खाता, पैसे वाली दे दे बीवी, वीसीआर फ्रिज और टीवी। तू है सबसे बड़ी असामी, करूंगा तेरी सदा गुलामी, पढ़ ले भगवान मेरी अर्जी, फिर आगे तेरी जो मर्जी। दूर मेरी कड़की कर दे, नोटों से ये झोली भर दे, तेरे गुण गाऊंगा
मैं कर दे ये काम। तू है गोविंदा गोकुल वाला, मैं ठना ठन ठन गोपाला। बोल हरि 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 बोल, हरे कृष्णा 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 बोल। बोल हरि 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 बोल, हरे कृष्णा 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 बोल। भरे हुए हैं तेरे खजाने खोल तिजोरी खोल। बोल हरि 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 बोल, सिक्कों की खनखन से मेरे कानों में रसगोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरे कृष्णा 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 बोल। पैसा 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 रुपया, पैसा 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 रुपया, पैसा 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 है पैसा। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरे कृष्णा 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 बोल। कर दे माला माल बुरा है हाल, भेज दे माल कन्हैया। पैसा पैसा रुपया, पैसा 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 है पैसा। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरे कृष्णा 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 बोल। भक्त तेरा ये हाय तरसे, चम चमा चम पैसा बरसे। जय हो तेरी कृष्ण गोपाला, बोल मेरी किस्मत का ताला। बोल हरि 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 बोल, हरे कृष्णा 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 बोल। गिल्डर डॉलर पाउंड चलेगा, भाग मेरा ये कभी खुलेगा। बजा दे भगवान अपनी बंसी, कैसी भी हो भेज करंसी। पैसा 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 रुपया, पैसा 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 है रे पैसा पैसा। हा, हा, पैसा दे दे रे। मैं जब भी बंबई आता हूँ इसी होटल में ठहरता हूँ, हर महीने 4-5 लाख रुपए का बिल अदा करता हूँ। आप लोग अपने रेगुलर कस्टमर का जरा भी ख्याल नहीं रख सकते? अरे मेरी जरूरतें मेरी फरमाइशी मैं आप लोगों को साफ साफ लिखवा चुका हूँ, फिर गलतियां कैसे हो जाती हैं? और मेरी फरमाइशी है क्या? मुझे सुबह 6 बजे एग्जैक्ट चाय चाहिए। चाय नहीं मिलेगी तो मैं पेपर नहीं पढ़ पाऊंगा, पेपर नहीं पढ़ पाऊंगा तो मुझे दुनिया की मार्केट का पता नहीं चलेगा, मार्केट का पता नहीं चलेगा तो मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। और बिजनेस खराब हो जाने का मतलब है करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाना। एक कप चाय की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है, इस बात का एहसास है आप लोगों को? अरे के साहब जैसे आदमी के मुंह से तो बात बात में निकलनी चाहिए, इनको ऑर्डर पहले पूरा हो जाना चाहिए, वरना 5 स्टार में रुकने का फायदा क्या है? जाइए आप लोग, शराब भी। ठीक है। शांति शांति। सर 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 सर, मेरे बोलने का मतलब है कि आप अपने दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा कर लीजिए, शांत हो जाइए, अंदर आइए। अंदर आइए, आई विल टीच यू हाउ टू रिलैक्स। नहीं मैं यही ठीक हूँ। सर सर, आप आराम से एक मिनट आराम से सो जाइए। 2 मिनट के अंदर मैं आपको चाय ला कर देता हूँ। 1 मिनट के बाद आप अंगड़ाई लीजिएगा, अंगड़ाई लेने के बाद आप ऑर्डर कीजिएगा। ऑर्डर करते ही चाय आपके सामने होगी सर। मगर मैं कम इन सर? कम इन। गुड मॉर्निंग, योर टी सर। सर आपने अंगड़ाई नहीं ली सर। It's too contagious. Sir. Oh God. Sir. It's too hot. How much sugar, sir? 1. Is that is enough? How is the tea, sir? Good, very good. Your newspaper? Yeah, I think your specs are here, sir. Sorry. अब आपके पेट में गुड़गुड़ाहट हो चुकी है सर, आई थिंक यू शुड गो टू टॉयलेट। या आई विल जस्ट हरी अप सर, आई थिंक इट्स टू अर्जेंट। या ऑटो ऑटो, या आई विल सी यू।
I'll see you. Well, sir. Sir? Are you relaxed, sir? मैं अंदर से बात नहीं करता. Sir? थू, क्या खा के आया पता नहीं साला. हिड़. राम 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 राम. Sir? Are you relaxed, sir? At last. After 3 days. Yeah, I can smell that, sir. अब आप खुशी के मारे मुझे टिप देंगे सर. गलती से आपकी उंगलियां 10-20 की नोट पर चली जाएंगी और आप हड़बड़ा कर नोट फेंक देंगे. अब आप 500 की नोट निकालेंगे सर. आप ये नोट मुझे देंगे, मैं आपको थैंक यू बोलूंगा और आपके कमरे से चला जाऊंगा. थैंक यू सर. सुनाप. या सर. इधर आओ. बैठो. नो थैंक यू सर. बैठो. तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे. सर मेरी माँ भी यही कहती थी. क्या कहती थी तुम्हारी माँ? यही कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा. अभी कहाँ है तुम्हारी माँ? दिल में है सर, दुनिया में नहीं है. रामू, रामू कहाँ चला गया? रामू आया मालकिन. जरा देखो तो राहुल अभी तक क्यों नहीं आया. ऑफिस फोन करो. साहब आ गए. निम्बू मिर्ची ले आ तो. जी अच्छा. राम मां खुश रहो बेटा. जीप से हाथ तो निकाल. सॉरी. इसे चौराहे पे फेंक देना. जी. अरे माँ, अगर इसी तरह से हर रोज तू मेरी नजर उतारती रही ना तो इस शहर की सड़कें और चौराहे जो है वो नींबू मिर्ची के गोदाम बन जाएंगे. अरे बाबा, तुम्हें गलत फहमी है कि तुम्हारा बेटा बहुत खूबसूरत है. रहने दे, माँ की आंखों से देखेगा ना तो पता चलेगा. हाँ हाँ, देखा है. हर रोज आई ना देखता हूँ, कोई लड़की तो मुड़के देखती नहीं मेरी तरफ. बस तुम्हें मैं चौधरी का चांद लगता हूँ. भगवान, अगर ये चांद है तो हम चांद के बाप हैं. कभी कभी भाई हमारी भी नजर उतार दिया करो. जी तेरे बेटे. अरे अरे बजर. अजी छोड़िए, आपको किसकी नजर लगेगी? कितनी ठंडक पहुंचती है कलेजे में आप लोगों का प्यार देखकर. वाह क्या प्यार है, क्या दुलार है, कितना सुखी परिवार है. मेरा तो दिल निसार है लेकिन इसको आया बुखार है. वाह वाह सुभान अल्लाह, चाचा जी क्या शेर पड़ा है. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. अरे राहुल बेटा, क्यों चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो उन्हें? इस घटिया तुकबंदी को शायरी कहते हैं? चाची, मगर चाचा तो हमेशा फट्टे मारते हैं कि इन्होंने शेर पढ़ के आपको पटाया था. अरे राहुल, मुझे क्या पता था कि जो शेर ये मुझे सुना रहे हैं वो किसी नामी गरामी शायरों के हैं, इनके नहीं. चल बेटा, इसे हाथ लगा दे तो गरीबों में बांट दे. कितना पुण्य कमा रही है हमारी भाभी, हमारे भतीजे के हाथों ये सब दान धर्म करवा के. बड़े नसीबों वाले हो बेटा. हाँ बेटा, इतना तो कोई सगी माँ भी ना करे जितना ये सौतेली होकर कर रही है. चाची, ये कैसी बात कर रही है? अगर सौतेली माँ इतना प्यार देती है तो भगवान करे कि हर जन्म मुझे ऐसी ही माँ मिले, इसी रूप में. अरे कभी तो अपनी जबान पर काबू रखा कर, बगैर सोचे समझे कुछ भी बक देती हो. अजी मैंने ऐसा क्या कहा जो गलत है? मैंने तो वही कहा जो सच है. सच तो ये है चाची कि माँ सिर्फ माँ होती है. और किस माँ की बात कर रही हैं आप? जिसने अपनी गोद हरी नहीं होने दी सिर्फ इसलिए कि मेरे प्यार में कमी ना पड़ जाए. जिसके रोम रोम में ममता भरी हुई है वो माँ सौतेली? नॉनसेंस, कुछ अजीब सी बात है. मगर माफ कीजिएगा चाची, आप ये बात नहीं समझेंगे इसलिए कि आप माँ नहीं है. माफ कर दो भाभी, ये बेवकूफ. क्या छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाता है? नहीं है माँ, चाची कुछ भी बोल देती है, अजीब सा कुछ बेसुरा टॉपिक छेड़ देती है. अच्छा अच्छा बस अभी. अरे ओ जन्म चली, जरा सोच समझ कर तो अपने मुंह खोला कर, कहीं ऐसा ना हो कि इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए हमारे लिए बंद हो जाए. फिर हम ना घर के रहेंगे ना घाट के. अजी कोशिश तो बहुत करती हूँ कि ये मुंह बंद रहे, पर क्या करूँ, इस तरह दौलत लुटते देख मेरी तो छाती पर सांप लौटने लगते हैं. हाँ
मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तू जिंदगी से मायूस मत हो। अरे तू भी वेटर है, तेरे अंदर भी एक अदा है। एक दिन तेरी भी जिंदगी में कोई मुकद्दर की देवी आएगी और तुझको देखना कहां से कहां पहुंचा देगी। है? ऐसा पॉसिबल है? अरे बिल्कुल पॉसिबल है। तकदीर बदलने में कुछ देर लगती है, एक दिन तेरे तकदीर का दरवाजा खुलेगा और तेरे मुकद्दर की देवी बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेरे सामने खड़ी होगी। खुशबू सी कोड़ी जब आंख लड़ी एक जंग छेड़ी तू जिप्पे आड़ी जिद्दी है बड़ी मैं उड़ती पवन सावन की झड़ी मोती की लड़ी हीरे से जड़ी जब रात हुई फिर बात बढ़ी मेरे दिल पे पड़ी जादू की छड़ी जादू कोई चला गई है सिट्टी बजा के मेरे होश तू उड़ा गई है सिट्टी बजा के चल हाथ बढ़ा हो हद करी अब तू लगा गया है सिट्टी बजा के मेरा यार मुझ पे छा गया है सिट्टी बजा के पागल मुझे बना गई है सिट्टी बजा के चक्कर कोई चला गई है सिट्टी बजा के सोई थी मैं जगा गया है सिट्टी बजा के नींद मेरी उड़ा गया है सिट्टी बजा के पागल मुझे बना
बना गई है सिट्टी बजा के, चक्कर कोई चला गया है सिट्टी बजा के। अबे अबे छोड़ ना। है? है? अबे कमर है? तोड़ दी मेरी। अरे वो कहाँ गई? अरे कौन कहाँ गई, आधा घंटे से मुझे घुमाए चला जा रहा है। सेठ जी, आपने मुझसे कहा था ना कि मुकद्दर की देवी मिल जाएगी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे हमारी मन की पुस्तक के ऊपर नजरों के क्रम से प्रेम कहानी लिख गई। मुझे तो उनसे प्रेम हो गया। सपने प्रेम भी हो गया? सपने में हो या जागते में, प्रेम तो किसी भी लोकेशन पे किया जा सकता है। अबे ओ घोंचू, वो किसी बड़े घराने की लड़की लगती है, उसके सामने तेरा ये हुलिया नहीं चलने वाला। अरे देवी के सामने सब चलता है सर। अबे कपनी से लटकता रहेगा, नीचे उतर। सुन मेरी बात, वो परसों आने वाली है। अच्छा, उसके सामने अगर तू इस हुलिया में गया ना तो वो मुंह फिरा के चली जाएगी। उसके सामने जरा सूट पहन के, टाई लगा के, गॉगल्स पहन के जाना और परफ्यूम छिड़क के फिर देखना तमाशा। लाऊं कहां से? क्यों, ओ ठीक है, सूट का इंतजाम मैं कर दूंगा। मैंने इटली से सूट लाया था, मुझे तंग पड़ता है, तुझे फिट आएगा। अच्छा, सूट दे दूंगा, एक टाई दे दूंगा, गॉगल्स दे दूंगा, मेरे गाड़ी का इंतजाम तुझे खुद करना पड़ेगा, वो मैं नहीं देने वाला। गाड़ी का प्रबंध तो हम कर लेंगे, हमारे एक मित्र है सत्तार भाई, उनके हमारे दिल के बहुत तार मिलते हैं। तो सत्तार भाई का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है ना। खुल जा राज को, अरे वाह गुड लगा चे उड़ू। सत्ता ट्रांसपोर्ट। इसको बोलते हैं बिजनेस, एक से एक गाड़ी चुराते हैं। What do you mean I am sorry? मेरी मर्सिडीज तेरे लिए है क्या? तू तो नौकरानी होकर मेरी मर्सिडीज में घूमती है और मुझे छोटी गाड़ी में जाना पड़ता है। मैडम वो ऐसा हुआ कि वो क्या था कि वो Shut up! खबरदार जो मेरे साथ जुबान लड़ाई। इस गलत फहमी में ना रहना कि मेरे दिए हुए कपड़े पहनकर तू नौकरानी से मालकिन बन जाएगी। जो काम मैंने तुझे दिए थे तूने किए? जी हाँ, सारे चेक्स बैंक में डिपॉजिट करा दिए। और चूड़िया नेकलेस लाई? जी नहीं। मेरी साड़ी कलेक्ट की? वो भी भूल गई? अरे ये मेकअप थोपने और फैशन करने के बजाय काम किया कर, चल जा यहाँ से, सारे काम करके आ, ना लाइक कहीं की। जी वो yes? जी वो मिसेस मल्होत्रा की नेकलेस और चूड़ियाँ। हाँ मिसेस मल्होत्रा का नेकलेस और चूड़ियाँ अभी पॉलिश होकर आते ही होंगे, आप बैठिए मैं आपके लिए ठंडा भी। जी अच्छा। ये देखिए। ओहो मच्छू, मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ। एक मिनट ये देखो, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। बेटा एंटिक पीस है, बहुत महंगा है, टूट जाएगा। ये देखिए। कौन सा? बच्चा किसका है? जी हमारा जी है। हमारा। आप अपने बच्चे को काबू में नहीं रख सकते? इतना कीमती स्टैचू इसने तोड़ दिया। सॉरी भाई साहब, इसने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा। सॉरी से काम नहीं चलेगा, 2.5 लाख का स्टैचू था, आपको 2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, इतनी कीमत कैसे चुका सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं जानता, आपको पैसा देना पड़ेगा वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। एक मामूली से स्टैचू के लिए बच्चों को इतना मार रहे हैं आप? देखिए साहब, इतना कीमती स्टैचू इसने तोड़ दिया, पैसे कहाँ से भरूंगा। गुड आफ्टरनून राहुल साहब। हाँ गुड आफ्टरनून, कितने का नुकसान हो गया आपका? वो
एंटीक पीस था, ढाई में लिया था। ढाई लाख? जी हाँ। दरअसल आपके बच्चे की कोई गलती नहीं, मैं उसे प्यार करने के लिए आगे आ रहा था, उसने सोचा कि मैं उसको डांटूंगा तो हड़बड़ा के स्टैचू से टकरा गया होगा बेचारा। ढाई लाख बताया ना हमने। जी थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पप्पी देनी पड़ेगी। गॉड ब्लेस यू। अंकल कितने स्वीट है। वाह राहुल साहब। एक्सक्यूज मी। यस मैडम, वहाँ आपके गहने मैडम। वो साहब कौन थे? राहुल सक्सेना है, सक्सेना इंडस्ट्रीज के मालिक। ओह। बहुत ही शरीफ आदमी है और इतने दयालु है। देखो अनजान बच्चे के लिए 2.5 लाख का चेक उन्होंने दिया मुझे। सपना, अगर ऐसा कोई तेरी लाइफ में आ जाए तो तेरी तो निकल पड़ी, नौकरी की जरूरत ही नहीं। अब क्या कर रहा है यार, स्टाइल से थोड़ा आगे जा। शबाज, स्टाइल से घूम इधरा। अरे जिया, कोई बोल सकता है ये होटल का वेटर है? ऐसा लगता है किसी रियासत का राजकुमार है। थैंक यू सर। अब ये ले, ये पास में रख। ये किस लिए सर? अबे सूट पहना है, जेब में एक पैसा नहीं है, कोई सलाम मारे तो खट से स्टाइल से उसको टिप देना। ओह। मुझे टिप दे रहा है? क्या है सर, जब से होश संभाला टिप लेता कभी दी नहीं, इसलिए सोचा कि निकलते निकलते प्रैक्टिस कर लो। सॉरी सर। सुना, स्टाइल अच्छी है। थैंक यू सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। राजा, मैंने तुझे अमीर समझकर गुड मॉर्निंग कह दिया तो तेरा स्टाइल ही चेंज हो गया। मेरी माँ ने कहा था कि एक रोज मेरा मुकद्दर बदलने वाला है, आज मैंने सूट पहना, आपने मुझे सैल्यूट मार दिया, मेरे मुकद्दर बदलने की शुरुआत हो चुकी है, मुझे मजा आ गया। अबे शुरुआत के बच्चे, तू पागल हो गया? ये भाड़े का सूट उतार और काम पे लग जा। सर मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले रखी। छुट्टी? बिल्कुल नहीं, अगर तुमने छुट्टी ली समझो तुम्हारी छुट्टी हो गई, नौकरी खत्म। आप मुझे नौकरी से क्या बाहर निकालेंगे, मैं आपकी नौकरी को अपने अंदर से बाहर निकालता हूँ। राजा तू बेवकूफ हो गया, सोच ले फिर पछताएगा। पछताऊंगा मैं नहीं, पछताएंगे आप, क्योंकि आप जानते नहीं बहुत ही जल्द मैं इस होटल को खरीदने वाला हूँ और आप जैसे चार पांच मुंडू अपने नीचे रख लूंगा। दिमाग खराब हो गया, होटल खरीदेगा? तेरा बाप का खजाना छोड़ के गया था या तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है? लॉटरी लगने वाली नहीं सर, लॉटरी लग चुकी है। एक सोने की चिड़िया मेरे प्यार के जाल में फंस गई और आप जानते हैं उसके घर वाले कितने बड़े करोड़पति। ऐसे 10-20 होटल एक रात में खरीद सकते हैं और मैं तो कहता हूँ क्या आप अभी से मेरे हाथ पांव जोड़ने की और माफी मांगने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। कार नंबर 8262, ड्राइवर सत्तार, ड्राइवर सत्तार गाड़ी लेकर आओ। ड्राइवर बोला तेरी तो आजा। अरे हे, तू पीछे क्यों बैठ गया? मालिक हमेशा पीछे बैठ। क्या कौन मालिक बे है? यानी मैं तेरा नौकर हूँ, तू मेरा मालिक बन गया? सत्तर भाई आप समझ नहीं रहे, मैं मालिक बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। तू मालिक की एक्टिंग करे तो क्या जरूरी है मैं नौकर की एक्टिंग करूँ? हाँ हाँ, तो आप नौकर की एक्टिंग करने के लिए तो आए हैं। आए हैं, आए आगे 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 आगे। राजा? हाँ राजा। हाँ यही है क्या तेरे मुकद्दर की छछुंदर? अपनी जबान को लगाम दे। क्यों? सिकंदर सिकंदर। हाँ वही वही आ गई। आई 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 सतार। हाँ सतार। हाँ सतार। हाँ इसके पीछे चल। क्यों? भिड़ा दे दिल के तार। हाँ अबे पीछा कर। हाँ अरे अबे चल मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ड्राइवर तो क्या, तेरा झाड़ू वाला बनने को भी मैं तैयार हूँ। अबे अबे अरे हैंड ब्रेक तो नीचे। सुमड़ी में फॉलो करना सत्तार भाई। बस गणेश यहीं पे गाड़ी रुक। मैं अंदर से मैडम की साड़ी लेके आती हूँ। सत्तार भाई
अरे कहाँ जा रही है, कुछ तो बताओ। ओहो, बताता हूँ यार, तू सबर करने का क्या लेगा, मेरे को सोचने दे। एक मिनट, तू क्या कर रहा है? अरे तू देखता जा मैं क्या कर रहा हूँ। तू करने क्या वाला है? तू देखना यार, चुप। सत्तार भाई कोई गड़बड़ मत करना। आप आए? ए भाई दो केले देना। कितना? 2 रुपया। अरे 2 रुपया का 1 रुपया रख। केले बेच रहा है, आम बेच रहा है। कमाल है, कमाल है सत्तार भाई कमाल है। अरे बहुत देर हो गई। चलो। अरे क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? देखता हूँ, रुको एक मिनट। चलिए लिफ्ट दे देते। अरे जल्दी कर, और देर हो गई तो दोनों के बांधे, तेरी भी छुट्टी मेरी भी छुट्टी, बुड्ढी बढ़केगी। देख रहा हूँ ना बाबा। एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक योर ऑर्डर प्लीज? मेरा मतलब है, कैन आई हेल्प यू? अरे ये तो वही करोड़पति राहुल सक्सेना है जिसने 2.5 लाख का चेक दिया था, इसी के तो सपने में देख रही हूँ। हेलो। हाँ? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मदद मेरी? जी हाँ, वो क्या है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप अगर मुझे घर तक ड्रॉप कर दें तो। आइए ना प्लीज। जी गणेश, जब गाड़ी ठीक हो जाए तो घर ले आना। ठीक है। ड्राइवर है ना। आइए। बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ कहाँ जाएंगी आप? जहाँ आप ले चले। हाय। मेरा मतलब है जुहू। ड्राइवर जुहू चलो। हे सत्तार भाई, जुहू चलिए ना। यकीन नहीं आता आज के जमाने में आप जैसे लोग भी हैं राहुल जी। राहुल जी, ये क्या गड़बड़ है भाई? राहुल जी, मेरा नाम तो राजा है। राजा? इन्हें सब राजा कहते हैं, घर में, बम्बई में, लंदन में, रोम में, पेरिस में, सब राजा के बुलाते हैं। तो इनका निकनेम राजा होगा। ऐसे ही समझिए, वैसे हमारे राजा साहब दिल के भी राजा है एकदम। वो तो मैं जानती हूँ, वाकई अब दिल के राजा है। अब देखिए ना, उस दिन ज्वेलरी की दुकान में एक अनजान बच्चे और उसकी फैमिली पर आई मुसीबत टालने के लिए इन्होंने चेक दे दिया। चेक? कैसा चेक? वो 2.5 लाख का चेक। क्या हुआ? क्या हुआ सत्तार भाई? कुछ नहीं मैडम, वो बिल्ली रास्ता काट गई थी ना। 2.5 लाख? देख लूंगा। हाँ तो ये चेक की क्या बात कर रही थी आप? हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि अरे आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको कुछ याद ही नहीं। याद है वो बच्चे ने स्टैचू तोड़ दिया था, दुकान वाला चिल्ला रहा था, वो पुलिस बुलाने वाला था। हमारे राजा साहब की तो आदत है, ये खूबी है कि एहसान करते हैं और कभी जताते नहीं है। मैंने उनका प्रिंसिपल रहा है कि नेकी कर और कुएं में डाल। अरे उनका दायां हाथ क्या करता है उनके बायां हाथ को पता नहीं चलता है। आप देखो ना, मुझे भी कहां पता चली वो 2.5 लाख रुपए वाली बात है। और क्या बात करूं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कहीं ये शादीशुदा तो नहीं है। जितने आप नेक काम करते हैं आपकी फैमिली को उनकी दुआएं तो जरूर लगती होंगी। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे? अरे मैं तो खुद बच्चा हूँ। हाँ? मेरा मतलब है कि मैं भी कुंवारा हूँ। रियली? या। ओह नाइस। इसका मतलब आप भी मेरी तरह हैं। अच्छा, आप भी कुंवारी हूँ? ओह जी, मेरा मतलब यकीन नहीं आता कि आप जैसा आदमी शादीशुदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसा रिच, हैंडसम और दिल वाला आदमी लड़कियों की नजरों से बच कैसे गया? अजी उनकी नजरों की छोड़िए, हमारी नजरों को भी तो कोई भानी चाहिए ना। वैसे आपको किस किस्म की लड़की पसंद है? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कह दूं। कहिए ना। मुझे आप जैसी लड़की ही पसंद है। जी? जी। जी। ऐसे गुलाब की पंखड़ियों जैसे होठ, जान सा मुखड़ा, तीखी नाक, गोल गोल आंखें, काली काली, एक बार कोई इनमें देख ले तो जिंदगी भर उसे होश ही ना आए। पका रहा है। चंदन सा बदन
चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। वो जी, जी वो मेरा घर आ गया। अच्छा हाँ जी, ये आपका घर है? हाँ जी। ओ, अच्छा रुको 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 ड्राइवर रुको। यहाँ तो खाली प्लॉट है। ये मेरा घर है। अच्छा हाँ। वैसे आपके घर में और कौन कौन रहता है? जी मैं अकेली रहती हूँ। अकेली रहती है? मेरा मतलब है मैं और मेरी मम्मी। और डैडी? डैडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोई बात नहीं, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दीजिए ना। मोबाइल है मेरे पास। मोबाइल है? हाँ मोबाइल 9821021214 9821022484 9921020084 आप मेरा नंबर ले लीजिए ना। हाँ हाँ बताइए ना। 625 15 52 625 1552 याद रहेगा? दिल में छप गया है। आप फोन करेंगे ना? अरे जब तक मैं आपको फोन नहीं करूंगा तब तक मैं बेचैन रहूंगा। रातों को नींद आएगी और दिन में करार नहीं। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। मैं जरूर फोन करूंगा। बाय। ओके बाय बाय बाय। यू बिलीव ये क्या डैडी, जब भी मैं बाहर से आती हूँ आपकी आंखें भीग जाती हैं। तो फिर तू मुझे इतना सताती क्यों है? तेरे पास किस चीज की कमी है? इतना बड़ा कारोबार है, जायदाद है, दौलत है, फिर भी तेरा ये नौकरी करने का शौक पूरा नहीं होता है। अरे कभी इस देश में कभी उस देश में, मैं कब तक तन्हाई की जिंदगी गुजारता रहूंगा? ओफो डैडी, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं एयर इंडिया जैसे रेप्यूटेड एयरलाइन में नौकरी करती हूँ। डैडी, घर पर बैठकर बाप की दौलत पे ऐश करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। जिंदगी में अगर अपने बल पर आगे बढ़ना हो तो सबसे पहले दूसरों की नौकरी करना सीखना चाहिए। इससे इंसान हुनर भी सीखता है और तमीज भी। ये आप ही ने सिखाया था ना? बस यही सब बोल बोल के मेरा मुंह तू हमेशा बंद करती रहती है। मगर आज मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला। आज के बाद मैं चाहता हूँ कि तू अरे तू उधर क्या हाथ हिला रही है? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। डैडी आज वो आने वाले हैं। कौन आने वाले? वही जो मुझे पेरिस में मिले थे। किससे मिली थी पेरिस में? वही जो मुझे स्विट्जरलैंड में मिले थे। अरे तू तो किसे स्विट्जरलैंड में मिली थी? इधर बात कर। डैडी वही जो मुझे रोम में मिले थे। कौन है जो सिर्फ हवा में मिलता है, जमीन पे नहीं मिलता है क्या? डैडी आज वो मुझे जमीन पर मिल रहे हैं। जो कौन है वो? डैडी देखिए वो आ गए। हाँ ये यहाँ डैडी, इन्हीं के बारे में तो मैं आपसे कह रही थी। इसकी ऐसी की तैसी हरामखोर मेरे कपड़े पहनकर मेरे गॉगल्स लगाकर मेरी बेटी पे चक्कर चला रहा है। राहुल, I missed you. I missed you a lot. इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसके टुकड़े कर डालूंगा अगर इसने मेरी बेटी पे चक्कर चला। कम राहुल। डैडी डैडी ये मिस्टर राहुल सक्सेना है और राहुल ये मेरे डैडी हैं। नाइस नाइस मीटिंग यू डैडी। सुनो एक मिनट। या एक्सक्यूज मी राहुल। नो नो इट्स ओके, अभी आई। नो प्रॉब्लम। सुनो हमसे 35 सीखे और हम ही पे आजमा रहे हो? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा सूट तो अपना लिया, अब क्या मेरी बेटी को अपनाने का इरादा है? सर मैं कुछ समझा नहीं। एक मिनट सर, ये क्या कर रहे हैं? तो वही है, ये कपड़ा कैसे बदल गया? एक मिनट सर, वी आर एट द एयरपोर्ट मैन। ये सूट कहां से लिया तूने? मैंने इटली से लिया था। ओह इटली से? अबे तेरे जैसा बेशरम आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। एक बात बता, तू पहली बार मेरी बेटी से कब मिला? यही कुछ साल भर पहले। साल भर पहले? अबे झूठे, तू कल ट्रे में चाय लेकर मेरे कमरे में आकर सुबह। अच्छा कहां मिला था तू मेरी बेटी को? पेरिस में। पेरिस? yeah. मतलब आप पेरिस जा चुके हैं? सर मैं 200 बार पेरिस जा चुका हूँ। ओह और स्विट्जरलैंड? I've got an office in Switzerland. Oh. I've got an office in Switzerland. Mm-hmm. I've got an office in New York, mm-hmm. Melbourne, Jakarta. Jakarta? सूट लेके जकार्ता नहीं है, ऑफिस जकार्ता में।
और आखिरी बार कहां मिला था? आई थिंक इन वॉशिंगटन। वॉशिंग कंपनी में? वॉशिंगटन में सर। एक टन कपड़े धोने को वॉशिंग टन नहीं कहते हैं? सर ये क्या आप ऐसी वैसी बातें करके मुझे तंग कर रहे हैं? इसको तंग करना नहीं कहते हैं। तू कल मेरे होटल में आ, फिर तुझको बताऊंगा कि तंग करना किसको कहते हैं। मगर मैं आपके होटल में क्यों? I have to go back to my house, my bungalow। बंगले में नहीं बेटे, तू अभी जंगले में जाएगा। ऐसे हाथ में सलाखें पकड़ के सांप पर सर पटक देगा। चलिए डैडी। सोना मैं मिलने तो तुमसे आया था, मगर मुलाकात तुम्हारे डैडी से हो गई और काफी इंटरेस्टिंग रही। इनकी बातों का बुरा मत मानना, मजाक करने की आदत है। नो नो, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। I'll get back to him, yeah। तुम्हें काम करो, तुम होटल जाओ और मुझे ऑफिस में फोन कर देना और अपना फोन नंबर चाहिए। अच्छा, आपको फोन नंबर चाहिए? आप हमारे साथ नहीं चल रहे हैं? नो सर, आई गॉट माय मर्स वेटिंग आउटसाइड, यू नो। मर्स? पर्स में आठ आना नहीं है, बाहर मर्स खड़ी है। मर्स की स्पेलिंग मालूम है? सो नाइस, टू मच। मर्स? ओके। ये मर्स, मर्स है इसके पास। डैडी आपने बहुत पी ली है। अरे क्या पी ली है, इसका मुंह देखो। ये मर्स, चलिए, दिस इज टू मच। क्या ये मर्स? हेलो सपना, मैं राजा बोल रहा हूँ। जी जी, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। अच्छा, मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ओबेरॉय की पुल साइड से बोल रहा हूँ। अब ओबेरॉय, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों? दरअसल कल रात तुमने मुझे बहुत सताया, बहुत तंग किया। मैंने? लेकिन मैं तो कल आपसे मिली ही नहीं। मिली थी ना सपने में। सपना, कहीं तुम वाकई अपने नाम की तरह एक सपना तो नहीं? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, तुम कब हकीकत बनकर मेरी जिंदगी में आओगी? जी मैं वो बुरा लगा क्या? दरअसल सपना, मैं जज्बात में आकर कुछ ज्यादा कह गया। मुझे तुमको इतना कुछ कहने का कोई हक नहीं था। ऐसा मत कहिए, ये सब कहने का हक सिर्फ आपको ही है। ये क्या कह रही हो तुम? जी, जब से आपको देखा है, आपके सिवा और कुछ सूझता ही नहीं है। आपकी निगाहें हर वक्त मुझे घेरे रहती हैं। ओ सपना, सपना, सपना! ये कहकर तुमने मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा मुझे दिया है। सपना, मैं कहीं खुशी से पागल ना हो जाऊं। सपना, सपना, अब तो तुमसे मिलकर ही मुझे चैन आएगा। कहो, मिलोगी ना? कब? कल शाम को। ठीक है, बाय। सत्तर भाई, ए सत्तर भाई, ए सुनो ना, ए सुनो ना सत्तर भाई। हवा ने दे, हवा ने दे। हवा तो आ रही है, लेकिन कल वो भी आ रही है। तो अपन क्या करें? नहीं, मेरे को ना एक छोटा सा काम, गाड़ी चाहिए ना। हाँ, और साथ में कपड़े भी चाहिए ना। ला दूंगा। नंगा तो तू गाड़ी चलाने से रहा, नंगा बुच्चा। डैडी आप मेरी सारी चीजें ले आएंगे ना, कुछ भूलेंगे तो नहीं? अरे हाँ बाबा हाँ, क्या दिमाग चाट रही है तू मेरा। एक और चीज, हाँ, वो कैडबरीज का डब्बा। तू वो नीचे रख। डैडी, लड़की की फरमाइशें पूरी करते करते जान निकल जाती है। ए भाई, गाड़ी आगे लगा रे। अरे हाँ, जा रहा हूँ ना यार। बेटे राजा, लगता है तेरा काम तो हो गया। मैडम प्लीज, बहुत जरूरी काम है, आज छुट्टी चाहिए। जरूरी काम? काम तो तू मेरे घर में करती है, तो ये जरूरी काम क्या है? हाँ, जब भी देखो इसे छुट्टी चाहिए होती है। चलो जाके पहले घर का काम करो। मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा एक बहुत जरूरी काम है। देखे, अगर आपने आज छुट्टी नहीं दी ना, तो मैं तो तू क्या कर लेगी? देख, अगर बार बार छुट्टी मांग कर तूने मेरा सिर खाया ना, तो मैं हमेशा के लिए तेरी छुट्टी कर दूंगी। अरे मैडम, आप क्या मेरी छुट्टी करेंगी? आपकी इस नौकरी से मैं खुद अपने आप को छुट्टी देती हूँ। बहुत अकड़ती है ना आप अपने इस बंगले पर। अरे इससे बड़ा बंगला तो मेरे पास होगा, 10-10 नौकर आगे पीछे घूम रहे होंगे। अरे हसीन राजकुमार, एट माई सर्विस। गुड बाय। हाँ, अरे मेरी कार कहाँ? अरे सुनो, सलाम साहब, यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, कहाँ गई? वो हमको मालूम नहीं साहब, हम देखा नहीं। अरे व्हाइट टायर की सीएलओ खड़ी थी ना यहाँ पर साहब, हम देखा नहीं। अबे यहाँ खड़ी थी सामने, यहाँ हम देखा नहीं साहब।
वॉचमैन है, चोर है। आइए ना, आइए ना जी, आइए ना, आइए ना। आइए बच्ची। इंस्पेक्टर गोवर्धन, यार मैं सुपर नीड्स के पास आया था शॉपिंग के लिए, बाहर निकला तो मेरी गाड़ी गायब थी। आप अपनी गाड़ी का नंबर दीजिए। गाड़ी का नंबर लिखो, MH03B333। ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। एक नंबर की दो गाड़ियां होती हैं क्या? मॉडल भी वही है। नहीं नहीं, ये मेरी गाड़ी है। कौन मेहरबान चला रहा है इसको? ये तो मेरी पहचान के। एक मिनट हाँ। अरे सर आप, अरे आइए सर, कहाँ जा रहे हैं? कहे तो मैं आपको छोड़ दूँ। अच्छा, ये गाड़ी तुम्हारी है? अरे इसे अपनी ही गाड़ी समझिए सर। आंख मार के मुझे मेरी गाड़ी में बिठा रहा है? नहीं छोड़ूंगा इसको। बैठिए बैठिए सर। और कैसे सर? सर इनसे मिलिए सर, ये मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर है। हम लोग बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं। सामने देखो, एक्सीडेंट हो जाएगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी, नमस्ते। एक तरफ मेरी बेटी पे चक्कर चला रहा है, यहाँ इस लड़की को पटा रहा है, कितना कमीना है। सर वैसे आपकी इनसे मुलाकात कहाँ? स्विट्जरलैंड में, पेरिस में या लंदन में हुई थी? नहीं नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड और पेरिस की लड़कियों के साथ मेरी कुंडली नहीं जमती। मुझे तो हिंदुस्तानी नमक ही पसंद। हाँ ये बात और है कि शादी करने के बाद सबसे पहले हनीमून मनाने के लिए मैं स्विट्जरलैंड ही जाऊंगा। बेटा स्विट्जरलैंड में नहीं, तेरा हनीमून मैं जेल में मनवाऊंगा। वैसे सर आपकी गाड़ी बहुत शानदार है। अजी छोड़िए, ये भी कोई गाड़ी है? अरे ये तो खटारा है, खटारा। अरे ये तो हमने नौकरों के लिए रख रखी है, सब्जियां लाने वाने के लिए। मेरी गाड़ी नौकरों के लिए, सब्जियां लाने के लिए? और देखिए ना, आपको यकीन आता तो देखिए, ये इसका कोई ये कोई खतरा है? पागल है क्या? खतरा? क्या कर रहे हैं? ये सड़ेला टेप रिकॉर्डर, दिमाग खराब हो गया? अरे क्या कर रहे हैं आप तो ऐसे परेशान हो रहे सर जैसे ये आप ही की गाड़ी हो। नहीं नहीं, आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी सर, आपका पैसा मेरा पैसा, क्यों नुकसान करना है कि नहीं? पैसा मेहनत से कमाता है इंसान, ऐसे थोड़ी नुकसान करने का। सर अपने आप को काबू में रखिए। सर मुझे एक बात याद है कि तोड़फोड़ बहुत हो गई, मैं एक फोन करना चाहता हूँ। मैं एक फोन कर सकता हूँ आपके मोबाइल पे? नहीं नहीं, आज मैं अपना मोबाइल लाना भूल गया। अरे क्या बात करें सर, आप अपने डैशबोर्ड में देखिए, किसी कोने कपड़े में मोबाइल डेफिनेटली रखा होगा। अरे मैं कह रहा हूँ गाड़ी मेरी है, मोबाइल लाना भूल गया। आप देखिए तो देखना बेटा। नहीं नहीं, मैं भूल गया आज। सर आप बड़े आदमी हो, याद नहीं होगा। अरे हाँ, डैशबोर्ड में तो फोन है। ओ, ये मेरे नौकर भी बड़े बदतमीज हैं। कहाँ कहाँ मोबाइल रख देते हैं। वो असल में क्या बड़े आदमी है, करोड़ रुपया रख के भूल जाते हैं तो मोबाइल की क्या औकात है कि नहीं? मैं फोन करूँ सर? अरे अरे आप ही का फोन है, यूज कीजिए। अरे प्लीज, मैं बड़ा शानदार फोन करने जा रहा हूँ, आप खुश हो जाएंगे सर। हेलो गोवर्धन। बोलिए क्या साहब। वो जो चीज खो गई थी मिल गई वो। किसने ढूंढी? अबे मैंने ढूंढी है। अच्छा तो फौरन पुलिस स्टेशन चले आइए। मैं आ रहा हूँ, एक काम कर, पेंटर साहब को बोल तेरा 14-15 तगड़े वाले तैयार रखे। आप फिक्र मत कीजिए, पूरे बंदोबस्त के साथ आएंगे। अच्छा सर जी, जरा राइट मोड़ेंगे? क्यों नहीं, अरे आप ही की गाड़ी है, जहाँ कहेंगे वहाँ मुड़ जाएंगे। ये लीजिए।
अभी थोड़ा लेफ्ट में। चलिए लेफ्ट चलिए। अभी बा, 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 सामने 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 यहाँ। हाँ जी सब सामने। अच्छा ये यहाँ पर तू पुलिस क्यों खड़ी है? सर ये पुलिस आपके स्वागत के लिए खड़ी हुई है। लेकिन ये मेरे स्वागत के लिए क्यों खड़ी है? ये पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आपके हाथों करवाना है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, ये पुलिस मुझसे उद्घाटन कराना चाह रही है। मगर क्यों? उतरिए ना, सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ होगी, बाकी की तकलीफ अंदर होगी। आइए चलिए 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 आइए। हेलो इंस्पेक्टर, आई एम राजा। बजाता हूँ तेरा बाजा। लोगों को समझाइए ना, देखिए ना शरीफ इंसान के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। शरीफ और ये? हाँ। ये एक नंबर का चोर है, लुच्चा है, बदमाश है, लफंगा है। क्या? मेरी गाड़ी चुरा कर तुम पर अमीर बनने की धौंस जमा रहा है, वहाँ मेरी बेटी को पटा रहा है, यहाँ तुमको पटा रहा है। ये साला फाइव स्टार होटल का मामूली बहरा है। ये क्या शराब झोंक रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब ये छूटना नहीं चाहिए, अगर इसकी जमानत हुई तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर डालूंगा, याद रखना। अब बेटा तेरे को पता चलेगा कि फ्रॉड का नतीजा क्या होता है। ये क्या बोल रहे हैं आप सर, मैं आपके साथ फ्रॉड कैसे करूंगा? मैं तो आपका चेला हूँ। मेरा चेला? मैंने तेरे को सिखा? बेईमान, मैंने सिखा? सर आपने तो मुझसे कहा था करोड़पति घर की लड़की। अबे तो करोड़पति बता, मेरी बेटी पे लाइन मारेगा तू? मैंने कब आपकी बेटी पे लाइन मारी? वो एयरपोर्ट पे कौन, तेरी चाची थी? मैं एयरपोर्ट कब गया? अच्छा कब गया? तू मुझसे एयरपोर्ट पे नहीं बोल रहा था कि तू उससे लंदन में मिला, पेरिस में मिला, स्विट्जरलैंड में मिला? सर मैं आज तक मर्डरलैंड नहीं गया, मैं स्विट्जरलैंड की बात कैसे करूंगा? तो जान से मार डालूंगा। तू देख मैं तेरे को कहां कहां पहुंचाता हूं अभी। इंस्पेक्टर ये है ना, इसकी पसली निकाल के। मेरे को मालूम नहीं क्या बोलना चाहिए। छोड़ देना बिल्कुल। तोड़ देना मुझे इंस्पेक्टर। तोड़ देना, छोड़ना नहीं इसको, छोड़ना नहीं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब इससे पहले कि आप लोग अपना प्रोग्राम शुरू करें मैं इनसे एक मिनट बात कर लूं। ठीक है कर लो। सुनिए आप मेरे बारे में मेरी असलियत तो जान चुकी है, मुझे माफ कर दीजिए और अपनी मम्मी को फोन करके जमानत के पैसे मंगवा लीजिए प्लीज, वरना आप नहीं जानती पुलिस वाले का प्रोग्राम बहुत लंबा चौड़ा होता है, ऐसा मैंने सुना है। मैं फोन कर दूं? मैं आपकी मम्मी को बुला लूं? मैं मम्मी जी को फोन करता हूँ। राजा इंस्पेक्टर एक फोन, फोन एक। ठीक है कर लो। हेलो। हेलो सासुमा। सासुमा क्या नंबर चाहिए आपको? ये 625-1552 है। जी हाँ नंबर तो ठीक है, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं आपका होने वाला दामाद बोल रहा हूँ। मेरा दामाद? क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और बहुत ही जल्द हम लोग शादी करने वाले, मेरा नाम राजा है। मेरी बेटी तो हुई नहीं, दामाद कहाँ से पैदा हो गया? देखिए लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपकी बेटी सपना की बात कर रहा हूँ। देखो मिस्टर मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है। और जिस सपना की तुम बात कर रहे हो वो मेरे घर की दो कौड़ी की नौकरानी है, जिसे आज ही सुबह मैंने जूते मार कर निकाल दिया है, समझे? आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अपना प्रोग्राम शुरू कीजिए। हवालदार ले जाओ इसे और अच्छी तरह से धुलाई करना। चलो भैया। क्या डैडी अभी तक आपने टाई नहीं बांधी? राहुल का तीसरी बार फोन आ चुका है, जल्दी तैयार हो जाइए ना। अरे यार क्यों फजूल बातें कर करके मेरा दिमाग चाटती रहती है? उस सुल्लू के पट्टे को मैं अपने हाथों से पुलिस स्टेशन में बंद करवा के आया हूँ। डैडी इसलिए मैं कहती हूँ कि आप मत पिया कीजिए, आपको ना शराब हजम नहीं होती। अरे वो इतना रईस आदमी है, उसे आप कैसे अंदर करवा सकते हैं? अरे वो काय का रईस, वो वेटर है साला, वो वेटर है। डैडी अब आपका और मेरा झगड़ा हो जाएगा। राहुल ठीक ही कहता था कि आपके दिमाग में ना कुछ गड़बड़ है। उसने बोला और तूने मान लिया? हाँ मान लिया। अच्छा तब तो चलना पड़ेगा ये साबित करने के लिए कि वो उल्लू का पट्टा गलत बोलता और मैं सही बोलता हूँ, और मैं भी तो देखूं तू मुझे कौन से राहुल से मिला ले जा रही है। एक मिनट। देखिए राहुल की पार्टी। ठीक है इतनी बड़ी पार्टी, ये इतने पैसे लाया किधर से? पापा
इतना सब कुछ देखने के बाद भी आप पूछ रहे पैसे कहाँ से लाया? इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो, चलिए आप। अरे वो वेटर एक नंबर का चोर है वो। हाय राहुल, कांग्रेचुलेशंस राहुल। राहुल तुम डैडी से तो मिले हो ना? अरे इनको कैसे भूल सकता हूँ, एयरपोर्ट में मिले थे ना, काफी मजा किया इंसान है। हेलो अंकल। विश हिम डैडी। अरे सोना नमस्ते डैडी जी। नमस्ते मामा। ये क्या कर रहे हैं आप? दुखता है? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं यहाँ दुखता है? अरे नहीं अंकल, भला मैं अच्छा खासा जवान आदमी, मुझे क्यों दर्द होगा? अरे वो जब पिटाई करते हैं तो अच्छे अच्छे नौजवानों की जवानी बाहर निकल जाती है। कौन पिटाई करते हैं? पुलिस वाले। और कौन? पुलिस वाले मेरी क्यों पिटाई करेंगे? पुलिस वाले तेरी क्यों पिटाई करेंगे? अंकल आप बहुत मजाक करते हैं, वो सोना भी बोल रही थी, मैं उसका यकीन नहीं कर रहा था। आइए ना, मैं आपको मम्मी डैडी से मिलाता हूँ। आइए आइए। ये इतने पैसे लाया कहाँ से? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सर आइए ना प्लीज। एक मिनट एक मिनट, तू पहले ये बता तू छूटा कैसे, रिश्वत कितनी दी तूने? क्या अंकल बेकार की बातें करते हैं आप। बेकार बातें करते हैं मतलब? अंकल ये मेरे डैडी। ओह डैडी, अच्छा अच्छा। ये मेरी माताजी हैं। नमस्ते। माताजी भी हैं? ये मेरी चाची हैं। चाची, वाह। और ये मेरे चाचा। वाह बड़ी खुशी आप लोगों से मिलकर। आनंद है। अबे मैंने सुना था कि लोग किराए पे घर लेते हैं, कपड़े लेते हैं, तू तो पूरा खानदान उठा के लाया, कहाँ से लाया? अरे काय का पूव, जवाब देना। बड़ा लुक आफ्टर भाई साहब दीजिए ना, इसी मौके पर एक शेर याद आया, वो क्या कहते कि अरे ये भी निकल गया। हाय राहुल। हाय। आर यू ओके? बहुत परेशान लग रहे हो। आई एम कूल, मैं इतना परेशान नहीं हूँ, बस परेशान हूँ। अरे भाग गया ये जो अभी भी गया है। हाँ। ये कौन है? ये है राहुल सक्सेना। पैसा बहुत मिला होगा नहीं तुमको? क्या नहीं, अच्छा ये बात बताओ, पर ये जो बड़ी बी हैं और वो जो बाजू में व्हील चेयर पे बड़े मियां बैठे हैं, ये कौन है? वो जो बड़ी बी है ना, उनकी माता है शारदा देवी, और जो बड़े मियां है ना, उनके पिता धनराज सक्सेना। जड़ा, जड़ा। अरे मैं क्या पूछ रहा है? वेरी स्ट्रेंज। ओके बहन जी। हाँ जी। एक सवाल पूछता हूँ, बुरा मत मानना। कहिए ना। ये मैं आपका अपना बेटा है? Your idea. जी हाँ, मेरा बेटा है। कितने साल से? हाँ? आपका मतलब कितने साल का है? उसकी उम्र का नहीं, कितने साल से है? Yeah. जी? Yeah. आपकी ड्रिंक कहाँ है भाई साहब? वो मैं पी गया। मैं अभी भिजवाती हूँ। नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं, 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 नहीं बहुत जरूरत है। नहीं नहीं आप हमारे यहाँ हैं। नहीं नहीं भाई साहब, ड्रिंक नहीं चाहिए। करनी पड़ेगी। वेटर वेटर, सुबह से परेशान हूँ बहन जी, मेरी बात तो सुन। आइए आगे अपनी औकात पर, ये तुम्हारी औकात है, यही काम किया करो तुम। अंकल मैं तो आपके लिए इसलिए ड्रिंक लाया था कि जब आपने इतनी पी ही ली है तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको इतनी पिला दूं कि मैं लुढ़क जाऊं, है ना बेटा? मैं तुमको लुढ़का दूंगा मगर मैं नहीं लुढ़कने वाला। ओह माय गॉड, समझ गए? वो क्या है ना कि वो ड्रेस नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा। पूरी फैमिली पीती है क्या? ये बड़ी भी अपने काम की है। हेलो। हाँ हाँ कम। नहीं नहीं वो सब नहीं, एक काम है। हाँ कम। मुझे आपसे है ना हाँ? अकेले में बात करनी है। अकेले में? प्राइवेट है। प्राइवेट बात? हाँ। तो चलो नी प्राइवेट में आओ, नी कोने में। नहीं नहीं कम ऑन, कोने में नहीं, कोने तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं आप तो कोने में नहीं। अरे मेरा क्या है, आई नो व्हाट यू आर डूइंग। दरवाजा बंद करिए। अरे 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 तुम छोड़ो। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे ए अरे छोड़ो। अरे आ आ आ आओ नी। Ha ha ha!
चचा पापा हम दोनों अब कर ले नैन मटक्का। अरे हाय 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 मेरे रब्बा, दीवाने कुड़ी दिल ले गई, दीवाने कुड़ी दिल ले गई। घटिया शायरी कसम, आप ईमान से बोलिए ये शारदा देवी का असली बेटा है? अरे नहीं यार, ये उसका असली बेटा नहीं है। वही मैं जब से बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग चाट गए सब लोग। मैं कह रहा हूँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। गलती तो हम दोनों की है, हमने एक दूसरे से झूठ बोला। राजा, हमने भले ही एक दूसरे से हजारों झूठ बोले हो, लेकिन इस झूठ के ढेर में एक बात तो सच निकली। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। तुम्हारी खामोशी शायद यही कह रही है कि मैं ही तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। दिलो जान से प्यार करता हूँ। अगर प्यार नहीं करता तो सुबह शाम दिन रात तुम्हारे बारे में क्यों सोचता रहता? मगर मैं सोच रहा हूँ
कि मैं तुम्हें लेकर जाऊं कहां। मेरा तो ना कोई ठोर ठिकाना है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। राजा, मैं तुम्हारे साथ रुखी सुखी खाकर जी लूंगी, मगर अब तुमसे दूर रहकर जीना मेरे लिए मुश्किल है। अगर यही बात है ना सपना, अगर तुम्हारा प्रेम और विश्वास मेरे साथ है तो हम दोनों मिलकर अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। और उसके लिए अगर मुझे कोई गड़बड़ भी करनी पड़ी ना तो मैं नहीं करूंगा। चलो भाई, तुम्हारी जमानत हो गई। हमारी जमानत किसने दी? कोई सत्तार नाम के आदमी ने। सत्तार भाई, मैं गधा हूं, उल्लू हूं, उल्लू का पट्टा हूं। अरे गाड़ी भी चुराई तो उस बुढ़े खुसट की गाड़ी चुराई। ये सारा किया कराया मेरा ही है। ना मैं वो गाड़ी चुराता ना ये बवाल खड़ा होता। लानत है मुझ पे। सॉरी सत्तार भाई। हाँ। जो कुछ भी आपने किया हम दोनों के लिए ही किया ना। हाँ वो तो। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैं मान लेता हूँ कि तुमको राजकुमारी समझ के वो तुम्हारे पीछे पड़ गया। हाँ? लेकिन तुमने इसमें क्या देखा कि तुम्हें ये गलत फहमी हुई कि ये लंगूर करोड़पति है? अरे भाई मैं कितनी बार कहूँ, इन्होंने मेरे सामने एक अनजान बच्चे और उसकी फैमिली पर आई मुसीबत टालने के लिए 2.5 लाख का चेक दिया। 2.5 लाख? हाँ। सत्तार इधर आ। आया इधर आ। क्या यार, ये जब से मिली 2.5 की रेट लगा रखी है, मेरे को तो 2.5 लफ्ज़ से नफरत हो गई है यार। तेरे को मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैंने कभी 2.5 की शक्ल देखी है? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे लेकिन मैं 2.5 के बारे में सोच नहीं सकता। मैंने तो कभी देखा है, तुम्हारी यही शक्ल देखी है मैंने। सकता भी नहीं है। एक मिनट, तुमको पूरा यकीन है कि यही वो सड़ेली शक्ल है जिसने 2.5 लाख रुपए दिए थे? गौर से देखो, ये शक्ल तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। आप दोनों को मुझ पर यकीन नहीं है ना? नहीं। अगर उस दुकान वाले ने कह दिया कि ये वही है तो यकीन करेंगे? बोलती है शॉप में मुझे देखा है। कैसे देखा होगा, कब देखा होगा? सुनिए। यस। सुनिए राहुल जी। कौन राहुल जी? आप। अरे आपने आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद माँ जी के गहने घर पहुंचा देता कल। मैं राहुल जी हूँ। जी आप राहुल जी हैं। अच्छा आप मुझे जानते हैं? अरे जानता हूँ। आप क्या पियेंगे, चाय ठंडा या गर्म? ठंडा गर्म समोसा सब मंगवा लीजिए। ए साहब जो बोल रहे सब लेके आओ। अरे साहब के लिए जो जो गर्म मिलता है दुकान के अंदर सब लेके आओ। अच्छा सुनिए, आप मेरा नाम जानते हैं तब तो आप मेरा पता भी जानते होंगे। अरे कैसी बात करते हैं राहुल जी, आज आप मजाक के मूड में हैं। नहीं, आप ऐसे हमारे नहीं, ऐसे सबसे नहीं, पुराने कस्टमर हैं। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरा पता बोल के बताइए। अच्छा सक्सेना हाउस जूस किम 10th रोड। सक्सेना हाउस जूस किम 10th रोड, वाकई आप तो मेरा पता जानते हैं। लेकिन मम्मी आप डैडी की गलतियों की सजा मुझे क्यों दे रही हैं? मेरे डैडी ऐसे नहीं हैं। उस दिन पार्टी में कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी इसलिए। अच्छा आप जाने भी दीजिए ना मम्मी, डैडी की तरफ से मैं माफी मांगती हूं। डैडी की तरफ से क्यों, उनको खुद आना चाहिए, वरना तुम दोनों का आज से मिलना बंद। लेकिन इसमें इसकी क्या गलती है माँ? तू चुप रहेगा? चुप रहेगा तू? नो डिस्कशन आई से। ठीक है मम्मी, अगर आप यही चाहती है तो आज के बाद मैं राहुल से नहीं मिलूंगी। अरे अरे बुद्धू, मेरी बात का मतलब नहीं समझी? नहीं मिलेगी का मतलब ये नहीं कि तू हमेशा के लिए इसकी जिंदगी से चली जा, बल्कि हमेशा के लिए इसकी जिंदगी में आ जा मेरी बहू बनकर। और तेरे डैडी से मिलने का मतलब ये है कि उनसे मिलकर तुम लोगों की शादी की तारीख पक्की कर सकूं। ओ मम्मी। ए मुबारक हो। ए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इसकी शक्ल तो हुबू तेरी जैसी है, टील डॉल चेहरा सब तेरे जैसा है यार। अब तो तुम दोनों को यकीन हो गया ना मुझ पर? कैसे मुंह बंद हो गए दोनों के? गजब हो गया यार। सत्तार कहिए मेरा जुड़ो भाई तो नहीं है? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता यार, सारे मोहल्ले ने तुझे देखा है यार फड़तूसों की तरह अकेले घूमते हुए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन में मैं अपनी माँ और भाई के साथ कुंभ के मेले में गया और हम दोनों भाई बिछड़ गए? कोई चांस नहीं, सारा मोहल्ला जानता है तेरे पैदा होते ही तेरी माँ मर गई थी। मगर इस तरह से दो आदमियों की शक्ल तभी मिलती है जब वो जुड़वा होते हैं। कैसी बात करता है यार तू, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, संजय दत्त, इन सब के डुप्लीकेट है कि नहीं? हाँ? तो फिर वो क्या सब उनके जुड़वे भाई है क्या? क्या यार तेरे को बोलना सत्तार,
यार तू कुछ कर ना, इस कहानी में कुछ ट्विस्ट लेके आना। मैं क्या करूं, कैसे ट्विस्ट लाऊं, मेरा दिमाग ही नहीं चल। हाँ ट्विस्ट आ सकता है। राजा बॉस, अपन लोग राहुल का किडनैप मारेंगे। क्या दोस्त है, दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। क्या फालतू बात कर रहा है यार? मैं बताना, अगर तुम पकड़े गए ना तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। हाँ अरे पागल, मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं कि कोई और तुमको पकड़ ले। अगर तुम जेल गए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और अगर तुमने अपनी जान दे दी ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। सपना, तुम लोग चिपका चिपकी बाद में करो, पहले मेरा पूरा प्लान तो सुनो। देख, अपन राहुल को किडनैप करके अंडरग्राउंड कर देते हैं, उसकी जगह तू चले जाना। नहीं, उसके घर से ऑफिस से 10-15 लाख रुपए पटोर लेना, इतने तेरे लिए बहुत हो गया यार। नहीं, नहीं, नहीं। और फिर हम राहुल को छोड़ देंगे। नहीं, नहीं, मेरे को ऐसे पैसे नहीं चाहिए। अरे मेरी बात तो सुन यार, सुन सुन, पैसे के लिए आदमी दुनिया में क्या क्या नहीं करता। और फिर बम्बई जैसे शहर में घर खरीदना कोई आसान काम है क्या? तू कब पैसे कमाएगा, कब शादी करेगा, कब तू घर बसाएगा? अरे तब तक तो तुम लोग बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े। देख 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 देख, मेरी बात मान, अगर भगवान ने तेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी फेंके लिए ना तो उसका फायदा उठा यार। हाँ, ऐसा फायदा नहीं उठाने का मेरे को। चल सुन, रुक रुक, बात सुन, बात सुन। देख, ये बहुत पैसे वाला है राहुल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10-15 लाख से। देख कैसे समझाऊं तेरे को। हाँ, अगर समुन्द्र में से 3-4 बाल्टी पानी निकाल लो तो समुन्द्र खाली हो जाता है क्या? नहीं, जवाब दे। अगर ऐसी बात है ना सत्तर भाई, तो मेरे पास बहुत बेटर आइडिया। क्या बोलना? एक काम करेंगे हम लोग, मैं उनके पास जाऊंगा, खुद मिलूंगा, उनसे बोलूंगा, मेरे हमशक्ल भाई, हम लोग बहुत गरीब आदमी है, हम लोग बहुत तकलीफ में, हमारी 2-4 लाख की मदद करो ना प्लीज। वाह मेरे अनाड़ी नंबर वन, वो तुझे 4 लाख जूते मार के घर से निकाल देगा। काहे को? अरे हर करोड़पति इस तरह गरीब की मदद करता ना तो दुनिया में कोई गरीब रहता ही नहीं। देख मेरा काम था तेरे को समझाना, मैंने समझाया, आगे तेरी मर्जी, मैं चला। सुनो ना यार, ठीक है, ये हुई ना बात, ठीक है हम लोग करेंगे। हाँ करते हम लोग। एक मिनट, लेकिन मेरी 2 शर्तें। बोल ना तू, जल्दी बोल। पहली बात तो हम लोग उस बेचारे को बिल्कुल तकलीफ नहीं देंगे। अरे सर, आंखों में बिठाएंगे, पलकों में झुलाएंगे, आगे बोल। और दूसरी बात तो के हम लोग को जो उसका पैसा मिलेगा ना, मैं उसकी पाई पाई लौटा दूंगा यार, वो भी सूद समेत। और क्या चाहिए तेरे को? तीसरी बात, अब तू भी शर्त रखेगी? अरे शर्त नहीं है सत्तर भाई, उसे रखेंगे कहाँ? हाँ रखेंगे कहाँ, रखेंगे। देखे काम करते हैं, मैं जरा अपना पेट्रोल टैंक फुल करके इसके बारे में सोचता हूँ, तब तक तुम लोग लगे रहो। हाँ सपना, हमारा सपना पूरा होने का समय आ गया है। राहुल सक्सेना ऑफ सक्सेना इंडस्ट्रीज डोनेट्स ₹1 crore टू स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। 1 crore का डोनेशन, राहुल सक्सेना। हेलो टाइगर साहब, पैसे मिल गए। गुड। यार ये तो बड़े लफड़े वाली बात है, उसका किडनैप तो मारेंगे लेकिन रखेंगे किधर? मेरा घर तो 3 तरफ से खुला है, लफड़ा है। बस ये वीरान जगह में क्यों खड़ी है भाई? अरे खुला है, ऊपर वाला बहुत बड़ा बादशाह है बाप। कोई है? हेलो, कोई भी नहीं है। अरे वाह, मैं तो वैन में घुसा था, ये तो अच्छा खासा बंगला है। अरे वाह वाह, ये जगह ठीक रहेगी राहुल को छुपाने के लिए। अरे वाह भाई राहुल, क्या किस्मत पाई ली तूने, किडनैप होने के बाद भी शान से रहेगा। बड़े खुश नसीब हो, तुम्हारे घर वालों ने पैसे दे दिए, लो ड्रिंक लो। टाइगर की खासियत जानते हो, जब तक पैसे नहीं मिल जाते
टाइगर किसी को मारता नहीं और पैसे मिल जाने पर टाइगर किसी को छोड़ता नहीं। पहले ये वैन उड़ाने का बंदोबस्त करता हूं। टाइगर की वैन चोरी करने की हिम्मत किसने की? Sir, may I help you, please? Do you have a suit in Versace, please? Yeah. Yeah, please show me. Sure, yeah. Sir. Hello. Sir, may I help you? हाँ, मुझे लंगोट चाहिए। है? अंडरवेयर बोलते ना सर। आइए मैं आपको पप्पू के अंडरवेयर दिखाती हूँ। पप्पू का अंडरवेयर? तो फिर पप्पू क्या पहनेगा भाई? अरे वो जिद करी तो पहन लो ना बेवकूफ। सर हाँ ये लीजिए। ये क्या है सर? आपने ही तो सूट मांगा था। मैंने सूट मांगा था? हाँ। मैंने कब मांगा था? प्लीज सर आप ट्राई करके तो देखिए। मैं ट्राई करके देखूं? या ओके ठीक है आप कहते हैं तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। ओके वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस। कहाँ चला गया मर्दूद? वाओ अरे वाह। सर इस शर्ट की क्वालिटी देखिए। क्वालिटी इज गुड बट अरे ये क्या हो रहा है? अरे यार पागल कुत्ता है काट लेगा। भागो भागो। अरे सुनिए सुनिए ये क्या है? ये कहाँ है यार? जैसे तू कुछ जानता ही नहीं है। अरे यार हम नहीं तो राहुल जी आप अपना क्रेडिट कार्ड काउंटर पर भूल आए। कौन है भाई? सत्तार भाई मैं हूं। मैं कौन यार? मैं कौन? मगर मुझे बाहर तो निकालिए फिर मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। अरे अरे आजा तू। ऐसे क्या देख रहा है राजा? सत्तार भाई जरा साइड में चलेंगे। साइड में क्यों? नहीं क्या है ना मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है। वो तो ठीक है लेकिन साइड में क्यों यार? नहीं क्या वरना मुझे आपको पब्लिक के लिए प्यार करना पड़ेगा। क्या बात करता है? चलिए ना चलिए ना आइए ना आइए आइए आजा आजा। अब वो हो गया है राजा अभी मेरे भाई। अरे भाई राजा। यस सर। डू यू हैव अ परफ्यूम नंबर वन प्लीज? ओके सर आई जस्ट गेट इट। थैंक यू। राहुल सत्तार भाई आप जाओ। मैं आप जाओ आप जाओ। इसको क्या हो गया राजा? तू दरवाजा खोलो वो सब बात है। दरवाजा तो ना राजा 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 तुम क्या हो गया तुम्हें? ये राजा नहीं राहुल है। पर राजा कहाँ है? राजा तू जल्दी आना। समझा मैं आ गया मैं आ गया। हम लोग कैसे गए? तुम जल्दी अंदर जाओ। कपड़े बदल कर दे रहे हो? मैं भी चलती हूँ। तू अंदर कहाँ जा रही? मर्द लोग कपड़े बदल। अरे आने दो आपको क्या तकलीफ हो रही है? सताओ राजा मुझे क्यों बाहर छोड़ दिया? राजा हाय। रेडी हो गए रेडी हो गए। लेकिन सत्ता भाई सत्ता सुन सुनो तो सत्ता भाई सत्ता भाई मेरी बात सुनो। कहाँ धक्का दे रहे हो? सत्ता जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ बैठ बैठ
ये जगह सुनसान लगती है, मेरे ख्याल से अपन इधर ही रोक लेते हैं। अच्छा। क्यों खाना खाएगा? भूख तो लगी होगी। कौन है तुम लोग? आखिर क्या चाहते हो? क्यों लेकर आए मुझे? क्यों किडनैप किया तुम लोगों ने? तुम लोगों को मालूम नहीं तुम लोग बहुत पछताओगे, जिंदगी भर जेल के आओगे। पछताओगे तुम लोग। चुप हो जाओ वरना मैं तुमको गोली मार दूंगी। अच्छा गोली मारेगी आप? हाँ, हाँ, मारी गोली। देखो मेरे हाथ भी कांप रहे गुस्से। अरे मार गोली। अरे गुस्से से नहीं, डर के मारे कांप रहे आपके हाथ। आप गोली मारिए। नहीं मैं तुमको गोली नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ये पिस्तौल नकली है। ओह माय गॉड, दे बोथ आर सो स्टूपिड। हे तू जानता नहीं हम लोग कितने खतरनाक लोग हैं। तेरे जैसे बड़े बड़ों को हमने ठीक किया, समझा? इस नकली पिस्तौल से ठीक किया? अरे वो तो इसलिए क्योंकि हमने राजा को प्रॉमिस किया है कि तुझे सर आंखों पे बिठाएंगे, अपनी पलकों पे झुलाएंगे, वरना तेरे जैसे को सीधा करना तो एक मिनट का काम है ना। अच्छा आप लोग मुझे ठीक कर देंगे? हाँ बिल्कुल आप लोग मुझे ठीक कर देंगे। बोला ना कर देंगे। एक मिनट मेरा हाथ खोलिए। अरे वाह, ताकि तू हमें धोपट डाले। नहीं हरगिज नहीं। यू बोथ आर सो स्टूपिड, सो स्टूपिड इडियट्स, एंड यू आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। आई एम टेलिंग यू, यू बोथ विल बी बियॉन्ड जॉन्स minimum to minimum for 7 years and no one अरे बाप रे बाप, बड़ी मेहनत का काम है सपना। किसी ने ठीक ही कहा है कि मेहनत किए बगैर फल नहीं मिलता है ना। कौन होगा? कौन हो सकता है? पुलिस होगी? नहीं नहीं, वैन का मालिक भी तो हो सकता है। नहीं तुम बोलो। तुम्हें डर लग रहा है क्या सतर भाई? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं डर काहे का। यू बोथ आर बहुत बोलता है ये तो यार। राजा राजा फिलहाल तो हूँ, थोड़ा और जोर से मारते तो शायद था हो जाता। सॉरी 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 मैं समझा। अरे लेकिन तू इधर क्या कर रहा है? तू गया क्यों नहीं? नहीं नहीं सत्तर भाई मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर किस बात का? अरे सीधी बात है, उस घर में मैं पहली बार जाऊंगा। कौन चाचा है कौन मामा है मुझे क्या मालूम। अगर मैं पकड़ा गया तो नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। आईडिया आईडिया आईडिया, अब तेरे को ये जो चोट लगी है ना। हाँ, क्या खून निकल रहा है? हाँ, 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 उसका फायदा उठाते। देख वहाँ जाकर अगर तुझे कोई कुछ पूछे और तेरी समझ में नहीं आए ना तो चक्कर का बहाना करके कोई ऐसा चक्कर चलाना कि सब घन चक्कर बन जाए और अपना काम करके वापस आ जाना। और हाँ सुन, अगर इस चोट के बारे में कोई कुछ पूछे ना तो कोई झूठी कहानी सुना देना यार। नहीं नहीं लेकिन। लेकिन क्या? सुन इम्पोर्टेंट, वहाँ राहुल की माँ भी होगी, समझा? हाँ हाँ, उनको तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। लो चलो, जिंदगी में पहली बार माँ का प्यार तो नसीब होगा। अबे अनाड़ी, यही तो मैं कहने जा रहा हूँ। किसी की भी माँ को देख के तुझे अपनी माँ याद आने लग जाती है और तू इमोशनल हो जाता है। अगर उस माँ के प्यार में तू बह गया ना तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा और हम तीनों जेल में चक्की पीसते हुए नजर आएंगे, समझा? नहीं नहीं नहीं, हम लोग चक्की नहीं पीसेंगे, मालूम है क्यों? क्यों? इसलिए कि मैं जाऊंगा। क्या बकवास कर रहा है? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। अरे राहुल बाबा, राहुल बाबा को क्या हो गया? आओ राहुल बाबा, राहुल बाबा ये क्या हो गया आपको? क्या हो गया? हाँ ये पूछो क्या नहीं हुआ। हाँ? सुनो हाँ? अपना घर किस तरफ है? घर मालिक यही तो है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। आइए आइए आइए, आओ आओ सहारा दो। मालिक ही तो समझदारी के शेर बड़ा करो। मालिक देखिए राहुल बाबा क्या हो गया। देखिए अरे बेटे निकल रहा है। ये क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बाबूजी, छह लड़के थे, एक लड़की के पीछे पड़ गए थे और उसकी जान बचाने के चक्कर में झगड़ा हो गया और वो छह थे और मैं अकेला था। शारदा बैठो बेटे, शारदा नीचे आओ। शारदा क्या हो गया तुझे? क्या हो गया राहुल को? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? देखो कितना राहुल बह रहा है। ये क्या हो गया? कैसे हो गया बेटा? ये इतना खून कैसे बह रहा है? पता ना क्या हुआ? भाभी एक लड़की को बचाने के चक्कर में गुंडों से मारपीट हो गई, चोट लगी है इसे। हे भगवान, आपने डॉक्टर को फोन किया कि नहीं? दीजिए ना फोन। जल्दी फोन करो। अरे अरे भाई क्यों झंझट में पड़ता है? हेलो डॉक्टर साहब जी, मैं मिसेस सक्सेना बोल रही हूँ। जी हाँ डॉक्टर साहब, राहुल के सर पे बहुत चोट लगी है, उसके सर से खून बह रहा है। डॉक्टर साहब आप प्लीज जल्दी आइए डॉक्टर साहब। थैंक यू। तू किसी के झंझट में है बेटे, तू अपने कमरे में आराम कर। आइला मर गया, कमरा किधर है मालूम नहीं है मुझे। अगर कुछ समझ में नहीं आए ना तो चक्कर आने का बहाना कर देना। चोर एक नंबर के, कहने के लिए करोड़पति है।
और कोने कोने में सिर्फ 200-500 रुपए छुपा के रखा हुआ। मैंने सुना है करोड़पति लोग अपना पैसा जो है कभी कभी फ्लोर के नीचे दबा के रखते हैं। कहाँ होगा? हेलो 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 हेलो। अरे रामू जी, ला दूध, मैं ले जाती हूँ। अच्छा। राहुल बेटा, ममता की लहर दौड़ गई। क्या जादू है माँ के प्यार में। हे भगवान, तूने मेरे नसीब में प्यार क्यों नहीं दिया? ओह माय गॉड, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मम्मी मैं राहुल से मिलने आ सकती हूँ? क्यों नहीं बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, आ जा आ जा। राहुल बाबा, राहुल बाबा, वो ऑफिस से कुछ लोग मिलने आए हैं। अच्छा, मैं उनको जानता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें ले आऊँ? हाँ हाँ ले आओ। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ऑफिस कैसा है? बहुत अच्छा है सर। अच्छा अच्छा सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक ठीक सर। सुना आपको चोट लग गई थी? हाँ लग गई थी यहाँ पे। अब बेहतर है ना? हाँ बेहतर सर। कुछ ये चेक्स पेंडिंग थे आपके सिग्नेचर के लिए। हाँ हाँ सर, इन पे सिग्नेचर। हाँ लाइए लाइए लाइए। हाँ लाइए। ऐसे ये करना कहाँ है? यहाँ सर। ये यहाँ? हाँ। अच्छा, सिग्नेचर तो करना आता नहीं उसकी तरह। सत्तर भाई ने कहा था कोई फंसने की बात हो तो चक्कर आने का बहाना कर लेना। सर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो रहा है तुझे? चक्कर चक्कर आ रहा है। चक्कर चक्कर चक्कर, ये सब काम क्यों लेके बैठा? ये क्या काम ले आप लोग? जाइए, इसकी तबीयत ठीक नहीं और आप लोग तंग कर रहे हैं इसे। मैडम वो क्या था कि चेक्स पे कोई काम जरूरी नहीं, सबसे पहले मेरे बेटे की तबीयत ठीक होनी चाहिए। जाइए जाइए आप लोग। चलिए। पता नहीं कितनी बार कहा कि मत तंग करो मेरे बच्चे को, फिर भी। अब कैसा लग रहा है बेटा? लो। अब अच्छा लग रहा है। ए अब अच्छा लग रहा है। नमस्ते। साहब कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। अच्छा, चलिए ना डैडी। कैसे खींच के ले जा रही तू मुझे यार? पी ले, पी। खा लूं? खा भी ले। हाथ तो छोड़ मेरा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। मम्मी राहुल कहाँ है? अपने कमरे में। आप लोग मिलो, मैं चाय बनवाती हूँ। चलिए। मैं क्या करूँगा? आइए ना डैडी। तू जाना, मैं ठीक हूँ। राहुल ये क्या हो गया और कैसे हो गया? क्या जरूरत थी तुम्हें दूसरों के झगड़े में पड़ने की? मैंने तुम्हें कितने बार। ये क्या हो गया यार, ये बुड्ढा यहाँ क्यों आ गया? अरे लगता है यहाँ पर भी कोई नया गुल खिलाएगा। अरे भाई साहब आइए ना अंदर। मैं तुम्हें हजार बार समझा चुकी हूँ कि तुम ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, फिर भी तुम वही सब चीजें करते रहते हो। व्हाई डिड यू इंटरफियर? कम से कम तबीयत तो पूछिए। कैसे हो? वो चाचा कहाँ है? बगल वाले कमरे में घटिया सी तो बंदी कर रहे हैं। शुक्रिया 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 शुक्रिया। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, नजदीक जाकर देखा तो बंदर उछल रहे थे। वाह वाह वाह। चाचा जी कॉलर में क्या क्या? मैं क्यों क्या क्या बात? मैं आपसे थोड़ी सी वो असलियत जानने आया हूँ। कौन सी असलियत? मैं चाहता हूँ कि आप चल के मेरी बेटी को वो सच्चाई बता दें। कौन सी सच्चाई? आपने कहा था ना कि राहुल का इस घर से कोई लेना देना नहीं है, वो इस घर का कुछ भी नहीं है। अरे क्या बकवास कर रहे हो, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? तुम मुझे इस घर से बाहर निकलवा कर रहोगे? अरे बगैर तेल के चिराग बन के जल रहे हैं इस घर में चाचा चाची, वो ना हमारे घर में ना रोशनी होती ना आबरू। हाँ अरे यार अजब झूठे किस्म के आदमी हो,
उस रात तुमने कहा था कि राहुल उस मैडम का अपना बेटा नहीं है, आज दूसरी बात कर रहे हो। अरे बाबा, मैंने ये तुम्हें कहा था, मेरा मतलब ये था कि राहुल इस मैडम का सौतेला बेटा है, इसकी कोख से उसने जन्म नहीं लिया। वो मेरे भाई साहब की पहली बीवी की औलाद है जो उसे जन्म देते ही मर गई। हाँ, वरना राहुल इस घर का वाहिद अकेला चश्म चिराग है, सारी जायदाद का मालिक है वो। लेकिन तुम भगवान के लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो, वरना मेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ये तो कुदरत का करिश्मा है, एक शक्ल के दो लड़के, एक वेटर दूसरा करोड़पति। तो ये तो मेरा दामाद बनने के लायक है। मेरी बेटी सही कह रही थी, मैं उल्लू का पट्टा नहीं मान रहा था। मेरा दामाद, दामाद जी, दामाद जी, नहीं, अपने दामाद को प्यार कर रहा हूँ। सोना, आज तक सोना मैं किसी ससुर ने अपने दामाद को इतना प्यार नहीं किया होगा जितना मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ। सोना सोना, कोई चोट नहीं लगी, ये कोई चोट है, ये कोई चोट है, कहाँ चोट? अरे मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा दामाद मिला, और तू खुश नसीब है कि तुझे मेरे जैसा ससुर मिला। बेटी, क्या दामाद दिया तूने? तेरी पसंद मुझे पसंद है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसको कमरे में मत रखो, बीमार पड़ जाएगा। इसको बाहर लेके जाओ, ड्राइव भी लेके जाओ, बाहों में लेके जाओ, रेस्टोरेंट में लेके जाओ, घुमाओ, खूब घुमाओ। तुम लोग जाते हो कि मैं साथ में? राहुल सक्सेना, प्यार मोहब्बत में एक एक खोखा पब्लिक में बांटता है। अरे लाफा खा के रज्जू तबेला को तो 5 पेटी हुए एनी टाइम दे देवे। भैया जी, मोहब्बत के शरबत डाल के 2 गोला बनाइए। दो क्यों, एक क्यों नहीं? हाँ, 1 गोला बनाइए। अच्छा, अरे ये क्या हो रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, सुबह से कभी चढ़ रही है। तुम तो बड़े आशिक मिजाज हुआ करते थे, आज बड़े भोले बन रहे हो। भोला बन रहा हूँ मैं तो, हुई भोला। एक गोला 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 रे बना जी। कुछ बात करो ना, रोमांटिक। रोमांटिक? हाँ। जैसे के? जैसे के ऐसे। ये रोमांस है? अच्छा। पागल बना है। तेरी तो कर दिया तुमने राहुल। क्यों, क्या हुआ? कि कोई तरीका है मोहब्बत करने का? अरे तुमने इतना रोमांस किया तो मैंने इतना रोमांस कर दिया। अब क्या करूं? घर जाओ और कपड़े बदलूं। हाँ हाँ, घर जाओ और जाकर कपड़े बदलो, जाओ। लेकिन मैंने तुमसे बात भी नहीं की। सर्दी लग जाएगी, बर्फ यहाँ वहाँ काका। मैं बोल रहा हूँ तुम घर जाओ, कभी भी मिलेंगे ना ऑफिस में, घर में, कहीं भी। पक्का? हाँ पक्का, पक्का, हाँ, प्रॉमिस। बाय। गोला कैंसिल करना रे। अरे ठीक है, हम खा लेंगे। ए, ए, कौन है? चुप। चाकू लगाया क्या? हाँ। बदतमीज, ढंग की जगह में लगा। अब ठीक है? आप बोल, क्या बात है? पीछे मुड़ के देखना नहीं, आगे देख, चल। ए तू क्या कर रहा है? तू दे मेरे को, तू दे। मेरे नसीब में यही लिखा है। तेरे नसीब में जो था वो तुझे मिला। हाँ, मिल रहा। जो मेरे नसीब में है वो मुझे दे। क्या चाहिए तेरे? मुझे 5 पेटी चाहिए। पेटी? पेटी क्या? तब पेटी लाख को कहते हैं दीवाने। हम लोग जिसे किडनैप करते हैं उससे पेटियां, यानी 5, 5, 10, 10, 20, 20 मांगते हैं। तू 5 दे। चल, तू बहुत बोल रहा है, तेरे पास मोबाइल है क्या? ऑफ कोर्स। अल्लाह, मेरे को मेरे सेक्रेटरी को पेजर करना पड़ेगा। कैसे कैसे टुच्चे लोग मोबाइल रखते हैं। hey! हेलो, या मैसेज फॉर सत्तार भाई। मैसेज इज, मुकद्दर का छुछंदर जो मुकद्दर का सिकंदर बन गया था, उसकी बहुत बुरी तरह से बैंड बज गई। या कम इमीडिएटली ऑन दिस एड्रेस। कब राजा पैसे लेके आए और राहुल से जान छूटे, दिमाग खा गया मेरा। अरे राजा का पेजर, तेली गली तबेला, इस एड्रेस पे अर्जेंट बुलाया। अब क्या लफड़ा किया इसने? आओ सत्तार। कहाँ है राजा? उधर। अरे सत्तार,
भाई, राजा सत्तार भाई, राजा सत्तार भाई, राजा यार इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के तू चारपाई पे लेटा हुआ है। और मैं कहाँ लेटा हुआ, इस आदमी ने मुझे लेटा दिया। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हमने जो उस आदमी के साथ किया इसने हमारे साथ कर दिया। क्या किया इसने? वही किडनैप। किडनैप? पांच पेटी चीज साले को। पांच पेटी? हाँ, हाँ, कहाँ से देंगे? अरे तू उसकी फिक्र मत कर भाई साहब, आपके पास मोबाइल फोन है क्या? है। कैसे कैसे टुच्चे लोगों के पास आजकल मोबाइल फोन आ जाता है। दिलेर पाजी, मैं सत्तार बोल रहा हूँ। ओ सत्तार भाई, बोलना मेरा भाई तू सत्तार, ओ दिलेर है जलदार, बोलना। की हाल है तुम्हारा भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दिलेर पाजी, मुझे आपकी मदद की थोड़ी जरूरत पड़े लिए। ओ यार हुक्म करो सतार भाई, कमाल कर दो, हुक्म करो यार, जान आदर है। पाजी पाजी, मेरे को पांच पेटी चाहिए अर्जेंट, तुम अभी लेके आ जाओ। ओ यार ठीक है, पांच पेटी तो मैं ले आवा, लेकिन मैं दुकान छड़ के कैसे ले आवा? ओ दिलेर पाजी समझा करो, मेरे जिगरी दोस्त की जान का सवाल है, आप पांच पेटी लेके किसी भी तरह चले आओ यार। ओए तुम्हारे दोस्त की जान का सवाल है? ओ तो फिर जान आ दे रे, दसो किधर आना है, पता बता दो तुसी। एड्रेस? ए रजू इधर आ, अपना एड्रेस बता। पहले नाम सुन, रज्जू तबेला, जोगेश्वरी ईस्ट, तेली गली में किसी भी बच्चे को पूछ तेरे को मारते हुए मेरे पास लेके आएगा। अगर पुलिस के पास जाकर शांत पति करने की कोशिश की तो कान के नीचे कैप्सूल लगा दूंगा तेरे को, समझा? एक ही गले पाई, ओ पेटी के साथ पुलिस का क्या सवाल है? हैं? ओ लगता है क्रॉस कनेक्शन हो गया, क्रॉस कनेक्शन हो जी, क्रॉस हो गया, कमाल है। ओ पेटी की गाल है, मुंडिया किथे है? मैं सारे ने बहुत बहुत तंग किया पापा जी। ओए रज्जू तबेला, आ गई तेरी पांच पेटी, ले आओ। ऐसे नहीं, इधर से ये जाएगा उधर से पेटी आएगी, समझा? I don't mind। इससे क्या ककड़ी काटनी? देख मैं म्यूजिकल मैन हूँ। मैं बिजनेस मैन हूँ। तो ठीक है, तेरे पंच बेटी देख ले, आजा। ओके। ए रे तेरी पंच बेटियाँ। ये तो खाली है। तो इसमें कद्दू भर के लाओ, सारी खाली है। This is empty। ओए एम टीवी नहीं है तो पते की पेटी है भाई। Don't spoil my move. और तोड़ तोड़ मेरे बाबा का जाता है, मेरे पैसे दे। कौन से पैसे? नो पैसे। देख मैं म्यूजिकल मैन हूँ, कुछ ऐड दूंगा। Hey, no.
कसम दिलेर पाजी की फाड़ दूंगा पहला। Wait, wait a second, I'm a businessman. चल पैसे। Take your money. Thank you very much. Okay. चल डांस कर। यारा रंग बरंगी ना है, पैड़ी ना है, चंगी दुनिया यारा रंग बरंगी ना है। पहला मुझे राहुल समझकर उठा के ले गया, ऊपर से वो बुड्ढे की बेटी सोना भी मेरे पीछे पड़ गई है राहुल समझकर। कसम से मैं तो फंस गया हूँ यार, एक तो पैसे भी हाथ में नहीं लग रहे। छी नहीं, सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, तू समझती क्यों नहीं हो? वो देखो ना क्या कर रहा है, लखपति बनना है ना। हाँ।
अरे भाई तू जाना जाना, ये तो आपकी वजह से हुआ है। 8 दिनों बाद जो 10 तारीख आ रही है वो विवाह के लिए अति उत्तम है, वरना 7 महीनों के बाद ही तारीख मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, 8 दिन के बाद की तारीख बिल्कुल सही है। लेकिन भाई साहब 8 दिन में हमारी तैयारियां कैसे होंगी? अरे तैयारी तो लड़की वालों को करनी होती है, वो मैं कर लूंगा। लो दूल्हा दुल्हन भी आके। अरे पहले दूल्हा दुल्हन का मुंह तो मीठा करवाओ। लो बेटा। क्या बात है पिताजी? बेटे तुम्हारी शादी तय हो गई है। शादी? सिर्फ 8 दिन की आजादी है बेटे, उसके बाद जिम्मेदारी की जंजीरों बन जाओगे। बच्चों सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं, तैयारियां शुरू करो। अगर इन लोगों ने शादी मेरी सोना से कर दी तो सपना का क्या होगा? हैं? राहुल क्या बात है बेटा? क्या माँ? आजकल देख रही हूँ तू बहुत उदास उदास रहता है। क्या बताऊँ माँ, बात ही ऐसी कोई नहीं है। पहले मैं सोच रही थी कि तेरे सर पे चोट लगने की वजह से तेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर लगा कि मेरे बेटे की शादी तय हो गई है, सोना के प्यार में खो गया होगा। लेकिन आज शादी तय होने के बाद भी तू खुश नहीं लगा, क्या बात है बेटा बताना? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, तू इतना क्यों सोच रही है? बैठ बैठ, क्यों तंग कर रहा है मुझे? तू खुद ही बता देना कि क्या हुआ है। अपने बच्चे का उदास चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूं कि बेटे को जरा भी तकलीफ हो जाए तो माँ को कितनी बेचैनी हो जाती है ना, और ऐसे में बेटा अगर बिछड़ जाए। खबरदार खबरदार, जो ऐसी बात मुझसे निकाली तो भगवान न करे अगर तुझे कुछ हो जाए तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी, मर जाएगी तेरी ये माँ। ऐसी बातें नहीं करती बेटा, नहीं करती ऐसी बात। कितने नसीब वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है ना। बेटा, अरे ओ बुद्धू, तेरी शादी हो रही है और बच्चे की तरह रो रहा है मेरा बच्चा। चल सो जा। लफंगे, क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम यहाँ उस लड़की के साथ रंगरलियाँ मनाओगे, मजे उड़ाओगे और मैं वहाँ सड़ती रहूँ? तुम मर्दों की फितरत ही ऐसी होती है, गिरगिट के तेरा रंग बदलते हो। सुनो, अगर तुम्हारा उस लड़की पे दिल आ गया ना तो मेरा क्या होगा? मैं तो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी ना। नहीं, 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 राजा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसी दौलत। तुम ही तो मेरी दौलत हो राजा। चलो अभी इसी वक्त यहाँ से भाग चलते हैं। ले चलो ले चलो मुझे यहाँ से, मेरा भी यहाँ दिल नहीं रहने का। मैं भी किसी के माँ के सच्चे प्यार को इस तरह से ठेस नहीं पहुंचा सकता। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे वैसे, एक तो उन्होंने आके मुझे रुला दिया, ऊपर से तुम भी मुझे रुला रही हो। ले चलो, तुम चुप क्यों हो गई? चलो चलो। कौन हो तुम लोग? हाँ क्यों किडनैप किया है मुझे? देखो तुम लोग सारी उम्र पछताओगे। चुप चुप, पछताओगे तुम लोग। बोला मार दूंगा मैं, सारी उम्र जेल में कटेगी तुम्हारी। खराब है मैं। ये क्या कर रहे हो सत्तर भाई? हाँ ये क्या कर रहे हो आप? अरे आपने तो मुझे वादा किया था कि आप इसको सराखों में बिठाओगे, पलकों में झुलाओगे, आप उसको मार रहे हो डंडा। अरे इसका कसूर क्या है? कसूर तो हम लोगों का है जो हम लोगों ने इसको किडनैप किया। पैसों की लालच में आके हम लोग गिर गए। मैं आपको खोल देता हूँ। समझ गया राजा, समझ गया, यानी तुझे माल मिल गया है। अरे माल वाल नहीं चाहिए मुझे भाई, मुझे कोई माल वाल नहीं चाहिए। इतनी मेहनत से हमने इसे पकड़ा है और तू इसे छोड़ देगा? पागल हो गया क्या? अरे पागल मैं हो गया था, अब हमारे होश ठिकाने आ गए, कोई गलत काम नहीं करेंगे। क्या बात करते हैं सत्तर भाई? अरे मैं तेरा, अरे बात करते हैं। एक थप्पड़ से क्या होगा राहुल जी, जो बदतमीजी हम लोगों ने आपके साथ की है उसके लिए आप जिंदगी भर भी हमें जूते मारेंगे ना तो भी कम है। मैं जिंदगी भर तुम्हें जेल में भिजवा कर चक्की पिसवाऊंगा,
तुमने मुझे किडनैप करने की हिम्मत कैसे की? तुमने क्या सोचा था मेरा हमशक्ल होने का फायदा उठाकर मेरी सारी दौलत हड़पने में कामयाब हो जाओगे तुम? नहीं बाबा नहीं, सारी दौलत नहीं भाई, सारी दौलत नहीं, तुम्हारा हमशक्ल होने का थोड़ा सा फायदा उठाकर थोड़ा सा पैसा जरूर कमाना चाहते थे। इतनी कमीनी हरकत की है और कह रहे हो कि थोड़ा सा फायदा उठाना चाहते थे? मैं मानता हूँ कि सारी गलती हमारी है कि हमने एक झटके में लखपति बनना चाहा, लेकिन ये सारा आइडिया सत्तर भाई का नहीं, है। ये सपना और मैं ना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम लोगों ने सोचा था क्या आपके चुराए हुए पैसे से हम लोग शादी कर लेंगे और जो पैसा बचेंगे उससे कोई बिजनेस शुरू कर देंगे, और हम लोगों ने ये भी सोचा था कि बिजनेस के कमाए हुए पैसे से हम आपकी पाई पाई लौटा डालेंगे, वो भी सूद समेत। You guys are stupid people, यार तुम्हें क्या लगता है पैसे कमाना अमीर बनना इतना आसान काम है? अगर ऐसा होता ना तो दुनिया का हर आदमी किडनैपर बन जाता। तुम लोग जो कर रहे हो ना वो अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि जुर्म की दुनिया की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम है जो सीधा जेल जाता है। तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसमें किसी की जान जा सकती है? अरे इसी डर से तो हम भाग आए। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है राहुल, अगर उसे पता चल जाता ना कि मैं बहरूपिया हूँ जिसने उसके बेटे को किडनैप कर रखा है, मुझे तो डर लग रहा था कि इस सदमे से कहीं उसकी जान छीन। भगवान की बड़ी दया है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। मैं मानता हूँ मेरे भाई की हम लोगों ने बहुत भारी गलती की है, लेकिन उसके लिए तुम जो चाहे सजा दे दो हमें, चाहे तो पुलिस में पकड़वा दो। ए, नहीं पकड़वा दो। मैंने तो सोचा था कि जिस दिन मैं तुम्हारे चुंगल से छूटूंगा तुम्हें ऐसी सजा दिलाऊंगा कि तुम्हारी बाकी की सारी जिंदगी जेल में सिर्फ पछताने में गुजरेगी, मगर मुझे खुशी इस बात की कि एक चोर मेरे घर गया था और इंसान बन के लौटा। अरे तुम्हें घर ही बसाना है तो नौकरी करो, मेहनत करो भाई। अरे नौकरी तो मिल जाएगी साहब, लेकिन घर, घर नहीं मिलता ना हम जैसे गरीबों को। अगर शराफत की जिंदगी गुजारने का वादा करते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? अपने यहाँ तुम्हें नौकरी भी दिलवा दूंगा और रहने के लिए कंपनी के क्वार्टर्स भी। राजा एक मिनट पीछे आ। राहुल भाई एक बात बताइए, आप हम पे इतना मेहरबान क्यों हो रहे ले? हमने तो आपको किडनैप किया है ना? वो इसलिए कि मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि तुम लोग अपनी उस नकली पिस्तौल की तरह एकदम नकली किडनैपर्स हो। अनाड़ी हो अनाड़ी, इसलिए मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। राहुल भाई हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं कैसे आपका शुक्रिया। एक मिनट राजा, राहुल भाई हमको जरा सोचने का मौका। अरे जब हम सोच रहे थे तब गलत सोच रहे थे, अब वो कर रहे हैं तो तू काहे को बोल रहा है? सामने बोलना जरूरी है कि चल ले तू। राहुल जी राहुल भाई हम लोग आते हैं। अरे क्या राहुल जी, घर दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो इसमें सोचने को क्यों बोल रहा है? राहुल जी हम आते हैं। अरे चलना राहुल जी, नमस्ते नमस्ते, बाद में करना, बाहर निकल जल्दी। स्टूपिड मैड पीपल। अरे यार तू इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, ये तुझे झांसा दे रहा है यहाँ से निकलने के लिए। अरे क्या बात कर रहे हो, अच्छा भला नौकरी दे रहा है, घर दे रहा है? घर इतना, घर यानी सरकारी कोठरी और नौकरी यानी चक्की पीसना, वो भी जिंदगी भर के लिए, समझा? राहुल सक्सेना, मैं जिसकी तलाश में था वो खुद मेरी झोली में आ गिरा। अरे शरीफ है। तुझसे शक्ल क्या उसकी मिलने लगी, वो शरीफ हो गया। अरे भाई वो शरीफ है। अरे भाई वो शरीफ नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर। ये देख भाग गया ना तेरा शरीफ आदमी, मिल गई नौकरी, मिल गया घर। कोई बात नहीं, उस आदमी ने हमें माफ कर दिया, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। क्यों सपना? अरे क्या खाक बड़ी बात है, वो जाएगा सीधा पुलिस स्टेशन और मैं, मेरे को ये पुलिस पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना है। अरे किधर चले सत्तर भाई? अंडर गिरा। अरे सुनो तो, दिखना नहीं, दिखना नहीं। ओहो, अरे सत्तर भाई, ओहो सुनो तो, ये तो क्या, अब क्या होगा? अब क्या, फटे हाल माला माल, प्यार करेंगे कुर्ता फाड़ के। Go!
लला लला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, लला लला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़ मैं हो गया दीवाना। मैं मजनू मजनू चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के, मैं तेरी लैला बन जाऊंगी कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़ मैं हो गई दीवाने। मैं लला लला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मजनू मजनू चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के। मुझे बना ले अपना बोला ठंडा पड़ा हुआ है झूला, एक बार तो दे दे मौका भूख तो तेरा झूला झोंका। अरे मुझे बना ले अपना बोला ठंडा पड़ा हुआ है झूला, एक बार तो दे दे मौका भूख तो तेरा झूला झोंका। मैदान नमक फिर ले आऊंगा कुर्ता फाड़ के, मजनू मजनू चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के। मेरे ख्याल से ना भाई साहब ये सबसे अच्छा है, उसे देख तो बेटा आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है। अच्छा मौका है समझन जी, आज सारी बातें मनवा लीजिए, शादी बाद मुकर जाएगी, आजकल की लड़कियां ऐसी होती हैं। डैडी आई एम नॉट लाइक दैट। रहने दीजिए, मालूम है मेरी प्यारी बहू के बारे में ऐसा मत कहिए। अरे मेरी प्यारी बेटी थी। हेलो टाइगर तड़ीपार, नाम है मेरा राहुल सक्सेना, 41वां किडनैपिंग केस है मेरा। क्या राहुल को आपने किडनैप कर लिया है? कौन है आप, क्या बकवास कर रहे हैं आप? 5 करोड़ चाहिए वरना वरना आप राहुल को जान से मार देंगे। मैं पूछता हूँ। हेलो मैं राहुल की माँ बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मेरे बेटे को क्यों किडनैप किया आपने? ऐसा नहीं मिला तो तड़ी पार हो जाएगा तेरा बेटा। तुम्हें जो चाहिए ले लो लेकिन मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। कहाँ है मेरा बेटा? माँ है तेरी, आवाज सुना दे। माँ मैं राहुल। राहुल मेरे बच्चे कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मेरी फिक्र मत करो, ये लोग अच्छी माँ है। आवाज सुनकर इतना चटपटा रही है, लाश देखकर तो मर ही जाएगी। 5 करोड़ अगर कल तक नहीं मिले तो समझ ले के माँ बेटे के बीच ये आखिरी बातचीत थी। आप मुझे दीजिए। हेलो मम्मी, कौन बोल रहा है? ये किडनैप करने का क्या मतलब होता है? ज्यादा टाइम नहीं है तुम लोगों के पास। कल ठीक 11 बजे जगह अंधेरी ब्रिज, गाड़ी कॉन्टेसा,
नंबर MRQ2993। पुलिस को इन्फॉर्म करने का अंजाम जानते हो तुम लोग। मामा क्या बोल रहे बोलो? कौन था वो? चाहता क्या है? पैसे भाई साहब, पैसे। अरे मरने दो ना उसे, हमारे रास्ते का कांटा तो निकल जाएगा। पड़े आए अपनी जायदाद लुटाकर राहुल को वापस लाने वाले। चुड़ैलों की ठुकरान बेअकल, 5 करोड़ रुपए जब मैं लूंगा तो वो उन गुंडों को थोड़े दूंगा, उन्हें मैं छुपा दूंगा। जाहिर है जब उन गुंडों को रुपए नहीं मिलेंगे तो वो राहुल को जान से मार डालेंगे। और हम इन्हें बता देंगे कि हमसे पैसे लेने के बावजूद भी उन्होंने उस बेचारे को मार दिया। अरे किडनैपिंग की खबर सुनते ही भाभी को तो दिल का दौरा पड़ गया है। हाँ। मौत की खबर सुनते ही इस दुनिया से ही गुजर बुजर हो जाएगी। रह जाएंगे वो बड़े भाई साहब, वो लूले रंगड़े हैं, सारी जिंदगी व्हील चेयर पर बैठे रहेंगे। और फिर ये सारी जायदाद हमारी होगी, और राज करेंगे राज। मुझे यहां देखकर हैरान हो गए ना सर, मैंने जिंदगी में बड़ा आदमी बनने के लिए 4 सीढ़ियां जल्दी चढ़ने की कोशिश की, मगर ऐसी ठोकर खाई कि मुंह के बल जमीन पे आ गिरा, होश ठिकाने आ गए और अपनी औकात पर लौट आया। क्या देख रहे हैं सर? नहीं, सोच रहा हूं कि ये तकदीर कैसे कैसे खेल खेलती है। एक शक्ल के दो इंसान, एक गरीब अमीर बनने के लिए 24 घंटे दौलत के पीछे भागता है, और एक दौलत वाला अमीर करोड़पति आज उसकी दौलत उसकी जिंदगी की दुश्मन बन गई, अपनी ही दौलत के कारण इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो। मुसीबत? कैसी मुसीबत? कुछ लोगों ने राहुल को किडनैप कर लिया है। किडनैप कर लिया? कब? कल शाम को। इसका मतलब वो वैन जो तेजी से चली गई थी वो राहुल नहीं ले गया था, उसको किसी ने किडनैप कर लिया। राहुल की माँ जो अपनी बेटी की दीवानी है, उसको जब इस हादसे का पता चला तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसे दिल का दौरा पड़ गया और वो बेचारी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। भगवान न करे अगर तुझे कुछ हो जाए तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी, मर जाएगी तेरी ये माँ। ये सब कुछ मेरी बेवकूफियों की वजह से हुआ है, ना ही मैं अमीर बनने के सपने देखता, ना ही राहुल को किडनैप करता, और ना ही आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसता। मैं ही कसूरवार हूँ राहुल की जिंदगी का, मैं ही कसूरवार हूँ। ये ये पूरे 5 करोड़ हो गए। भाई छोटे देखो जरा, होशियारी से जाना और जल्द से जल्द मेरे बेटे को सही सलामत वापस लेकर आना। शारदा बेचारी भी उसी के गम में तड़प रही है, उसे देख लेगी तो ठीक हो जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाई साहब, बस मैं यूं गया और यूं आया, राहुल को लेकर ही आऊंगा चाहे मेरी जान। वो वक्त की नजाकत को समझो, जाओ यहाँ से। हाँ, अच्छा भाई साहब, मैं अकेला ही चला अपनी मंजिल की तरफ, लाख ढूंढने के हाथ नहीं आऊंगा। क्यों चाचा, गांव जा रहे हो क्या? बहू देख तो क्या हुआ, वहां खड़े खड़े क्यों चिल्ला रहे हो? Oh!
ये चाची की बेहोश हो गई। बहू, बहू क्या हुआ? बहू बेटे, प्रणाम पिताजी। पिताजी आप रो क्यों रहे? हाँ, ढाल बनकर जिस बेटे के सर पर माँ बाप का आशीर्वाद रहता हो, उस बेटे का भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? आपके राहुल को कभी कुछ नहीं होगा। राहुल, राहुल तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हम सब कितना परेशान हो गए थे, जान ही निकल गई थी हमारी तो। बेटे, तू जा अपनी माँ को मिल ले। तेरी किडनैपिंग की खबर सुनकर वो बेचारी एकदम टूट गई है, संभाल उसे। नसीब के नसीब में तो माँ का प्यार नहीं है, लेकिन राहुल के नसीब की खुशियों को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं तेरा राहुल तुझे लौटा सकूं, भले इसमें मेरी जान चली जाए। मुझे आशीर्वाद दे माँ, मुझे आशीर्वाद दे। मेरे बच्चे, तू ठीक है मेरे बच्चे? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, माँ मैं ठीक हूँ। मेरे बच्चे, तू ठीक है, भगवान का शुक्र है। तेरे प्यार और आशीर्वाद के होते हुए तेरे राहुल को कुछ नहीं हो सकता माँ, कभी कुछ नहीं हो सकता। मेरा राहुल, हाय भगवान, इतने सालों के बाद तुम्हारा कोई प्लान अंजाम तक पहुंचते नजर आया, वो भी तुम्हारे दूसरे प्लान की तरह हो गया फ्लॉप। कितने बदनसीब हैं हम। कौन है? कौन है? तेरा बाप। मेरा बाप? अरे इतने सालों के बाद, मरने के बाद फुर्सत मिली है मुझे फोन करने की? आधे घंटे में पैसे नहीं मिले तो तेरे भतीजे की जिंदगी पूरी हो जाएगी। अरे तेरी ऐसी की तैसी। क्या बोला? ठीक बोला, बड़े लोगों के लड़के किडनैप करना तेरे बस की बात नहीं है। तू जाकर जूतियाँ चुरा, बूट चुरा। टाइगर को ये सब सुनने की आदत नहीं है। अरे तू चुपचाप सुनता जा। एक लड़के को पकड़ कर नहीं रख सका, मेरे अरमानों पर तो तूने एटम बम फेंक दिया है। अरे मेरा भतीजा अपने घर में है। या तो तूने बहुत पी रखी है या तू पागल हो गया है। अबे पागल मैं नहीं, तू हो गया है। अरे गुंडे लोग किसी को छोड़ने का नहीं, किसी को पकड़ने का पैसा मांगते हैं। तेरा भतीजा इस वक्त मेरे कब्जे में है। अरे झूठ बोल रहा है तू। मेरा भतीजा तो इस वक्त अपने कमरे में बड़े चैन की नींद सो रहा है। अरे तू फ्रॉड है, फ्रॉड साला घटिया विलन। अगर राहुल सक्सेना इधर है तो फिर उधर कैसे हो सकता है? बहुत कर ली इस घर को बर्बाद करने की दुआ, अब तो मुझे कुछ दवा ही करनी पड़ेगी। हाँ, इस बार मैं राहुल को खत्म करवा दूंगा, उसे मारने की सुपारी दे दूंगा, ऐसी सुपारी दूंगा कि बंटा धार कर दूंगा। कितना घटिया आदमी है, शरीफ आदमी को मारने की बात कर रहा है। इल्लाबाद। हे पहचाना? रज्जू तबेला। तू फिर आ गया यार,
ये टाइम मैं सीरियसली सीरियस हूँ, समझा ना? भेजेगा दही क्या तो दूध बना डालूंगा, कान के नीचे कैप्सूल लगा डालूंगा, भैंसों की दुनिया में चल गेयर बदली कर। चलना यार, क्या पुराने घटिया डायलॉग मार रहा है। मार, 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 तू क्या बार बार पकड़ के मारता रहता है? बाप का ना समझता क्या अपने? हट, तू समझता नहीं, खेल बहुत बड़ा है, इस बार मुझे एक खोखा चाहिए। तेरे को खोखा चाहिए? हाँ। तो ले लेना उसे। तू समझता नहीं लड़के, खोखा करोड़ को कहते हैं, अपने सेक्रेटरी को पेज कर, उसको यहाँ बुला। ठीक है तू कहता है तो फिर आदत बिगड़ चुकी, जितनी बार किडनैप हुआ है तू इस जगह को अपना घर समझने लगा, तेरे पाँव पड़ता है यार, तू उसको पेज कर, बिजट 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 को बुला, बिजट लेट गया। हाँ राजा, फिर ये रज्जू, इस रज्जू ने तो किसी काम का ही नहीं छोड़ा। अरे दूध मलाई के दुश्मन, तेरा सेक्रेटरी अब तक नहीं आया? नहीं आएगा तो खुद को गोली मार लेना। ए! आ गया है वो, आ गया है वो। रज्जू तबेला, क्या यार तेरे को किडनैप करने के अलावा और कोई धंधा है कि नहीं? क्या चाहिए इसको? अभी खोखा मांग रहा है अभी। ला, बोला बोला हेलो हेलो, देखिए पाजी, मैं फिर से सत्तार बोल रहा हूँ। ओ सत्तार भाई, गल ना करी यार, तुसी मैंने फसा दिता उत्थे, ओ तिल्ली माज ना 100 ग्राम दा बंदा, ओ सारी पेटियां तोड़ दी, ओ बड़ी मुश्किल से पैसे दिता मैनू यार, ऐसा ना कर यार। मैं दोबारा तकलीफ में आ गया, मेरे को फिर से तुम्हारी मदद चाहिए दलेर पाजी। ओ सितार भाई गाल सुनो, तुसी पेटी छड़ के दूजी गाल करो। खोखा खोखा, अब ये पेटी से नहीं मानेगा, इसको पूरा खोखा चाहिए। खोखा? ओ खोखा किधरों ले आवां? कुछ करो जल्दी से, मेरे जिगरी दोस्त की जान का सवाल है। ओ फिर जान का सवाल है? ओ तो यार फिर एक जंप कर रहा हूं। ओ टेप तो बंद कर लो यार। ओ सितार भाई आ गया वो फलूद की औलाद ठोक लिया यार। टिकटो जी से, ओए पिछली बारी की तरह खाली पेटी लेकर नहीं आया, खोखा तेरा भर के लाया, देख ले। ओ रज्जू तबेले, तेरा खोखा आ गया, चल राजा। लेट्स गो लेट्स गो। आई विल चेक, मैं पहले चेक करूंगा। ओए चेक दी ऐसी की तैसी यार, कैश कैश ले ले, चल राजा जवान दा पक्का। ले तेरा खोखा यार। यस। ओए खोले। हैंड्स अप। ले। लाओ ये गन मुझे दो। लाओ। सॉरी। जीता रे जीता रे। मिस्टर विक्की मल्होत्रा आपसे मिलना चाहते हैं। कौन विक्की मल्होत्रा जी? उन्होंने कहा है कि पिछले महीने आपसे दिल्ली में मिले थे। मैं दिल्ली था जी सर। मैं दिल्ली क्यों गया था सर? आपका इतना बड़ा बिजनेस है वहाँ पर। अच्छा, मेरा बिजनेस दिल्ली में? जी सर। तो ऑफिस मैंने मुंबई में क्यों खोल रखा है? जी बेवकूफ आदमी हूँ मैं। हाँ तो फिर सर वो आपसे मिलना चाहते हैं बिजनेस के सिलसिले में। हाँ तो भेजिए, हम थोड़ी कबाड़ी की दुकान खोल के बैठे हैं, भेजिए आप उनको, भेजिए। ओके सर। हाँ हाँ प्लीज, पागल थोड़ी है लेकिन चांस पूरा है। कौन होगा यार ये विक्की मल्होत्रा? जानता तो हो नहीं, क्या जवाब दूंगा मैं? पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा।
यार विक्की यार, आना बैठना। ओ तो ये है राहुल का हमशक्ल, हूबहू राहुल लगता है। आना सोच के रहा है विक्की, बैठना। तो भाई साहब थोड़े ठीक नहीं लग रहे। हेलो राहुल। आ बैठना विक्की, बैठना यार, बैठना। कब आया दिल्ली से तू? पिछले महीने हमने जो डील की थी आपकी दिल्ली वाली लेदर फैक्ट्री की, उसी को डिस्कस करने आया हूं। मैंने राहुल के साथ कभी कोई डील नहीं की। और ना ही उसे जिंदगी में कभी मिला था। मैं राहुल से पहली बार तब मिला था जब मैंने उसे किडनैप किया था। मैं टाइगर, टाइगर तड़ीपार, किडनैपिंग की रियासत का बादशाह, राहुल मेरे कब्जे में है। तेरी वजह से 5 करोड़ रुपए मेरे हाथ से चले गए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो टाइगर भाई, मुझे छोड़ दो। मैं आपका 100 करोड़ का फायदा करवा सकता हूँ। आप 5 करोड़ के लिए मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? मेरे पास गजब का आइडिया है। अगर आपको आइडिया पसंद नहीं आएगा तो बाद में भले ही मुझे मार देना। बोल। तो आइडिया ये है टाइगर भाई कि आपकी शक्ल और मेरी अकल, मेरी शक्ल और आपकी अकल, मैं यहाँ पर राहुल बनकर सारे चेक सारे पेपर सब तैयार कर लूंगा और आपके पास लेकर आ जाऊंगा। आप राहुल से दस्तखत करवा लीजिएगा, उसकी सारी दौलत हम लोगों की हो जाएगी। 50% आपका, 50% मेरा, दोनों मिलकर ऐश करेंगे। आप पेश करना, मैं पेश करूंगा। टाइगर भाई आप मुझ पे शक कर रहे हो? अरे आप एक मिनट के लिए सोचो कि आप जैसे घटिया और कमीने आदमी से मैं पंगा ले सकता हूँ क्या? मेरा बोलने का मतलब है टाइगर भाई, मैं आप जैसे खतरनाक आदमी से पंगा कैसे ले सकता हूँ? टाइगर भाई, टाइगर भाई नाराज मत हो, मेरा बोलने का मतलब नहीं था टाइगर भाई। टाइगर भाई, टाइगर भाई, ओहो ओहो, मैं आपको ऐसे यकीन दिलाऊं यार? सबसे पहले मुझे वो 5 करोड़ रुपए लाके दे जो मैंने राहुल को छोड़ने के लिए मांगे थे। वो 5 करोड़ मिल जाएंगे। अपना एड्रेस बताओ मुझे एक बार। बच्चा है तू। बच्चा हूँ टाइगर भाई, एकदम बच्चा हूँ। मेरे फोन का इंतजार करना टाइगर भाई। वो राहुल को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब है कि जब तक हम लोगों का खेल पुरानी हो जाता, राहुल को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो आप दस्तखत किससे कराएंगे? जब तक पैसे नहीं मिल जाते टाइगर किसी को मारता नहीं, और पैसे मिल जाने पर टाइगर किसी को छोड़ता नहीं। ये तो बहुत घटिया बात है यार। मेरा मतलब है बहुत ही कमाल की बात है। बहुत सही यार टाइगर भाई, मैं आपके साथ हूँ। चलो कम से कम राहुल तक पहुंचने का रास्ता तो मिला। भौंकिए, मेरा मतलब है कौन बोल रहा है? टाइगर, टाइगर तड़ीपार बोल रहा हूँ। शहर में हो गए तड़ीपार हो गए क्या? मेरा मतलब है टाइगर भाई, मैं अभी के फोन का इंतजार कर रहा था। कहिए। लगता है अब तक पैसों की गिनती पूरी नहीं हुई। नहीं नहीं, मैं तो पूरे पैसे गिन के बैठा हूँ। आपको पहुंचाने का इंतजार कर रहा था, कहीं कहाँ पहुंचाऊं? जगह अंधेरी ब्रिज। गाड़ी कॉन्टेसा, नंबर MRQ 2993, वक्त 3 घंटे बाद। पहले पोस्टमैन था क्या? क्या बक रहा है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से आपने मुझे एड्रेस याद करवाया है ना, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। अच्छा सुनिए टाइगर भाई, टाइगर भाई, वो राहुल को आपने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? मेरा बोलने का मतलब है कि वो जिंदा तो है ना? मतलब नहीं, देखिए अगर आपने उसे मार दिया तो फिर आप उसे साइन कैसे करवाएंगे? जब तक वो पेपर्स पर दस्तखत नहीं कर देता, चाहे तो भी मरने नहीं दूंगा। वाह वाह टाइगर भाई वाह, जुलाब नहीं आपका।
राहुल को जिंदा रखना पड़ेगा। मतलब ये राहुल नहीं, कोई राजा नाम का बहरूपिया है। क्यों भतीजे, गांव जा रहे हो? चाचा जी आप ओहो ओहो, इतना सारा माल लेकर गांव जा रहे हो? चाचा जी दरअसल मैं वो इसे मैं राहुल का चाचा हूँ, किसी चोर चके राजा के नहीं। हाँ ओए चाचे, तो तू भी मेरी ये बात सुन ले, मैं कोई बेवकूफ या गधा नहीं हूँ जो तुझ जैसे घर के बेदी को इस परिवार को लूटने दूं या बर्बाद करने दूं, समझे? तुम बड़ा आया इस घर को आबाद करने वाला। अभी बरसों से मैं इस घर की तमाम जायदाद पर चील की तरह अपनी नजरें गाड़े हुए हूँ और तू मेरी ही नजरों के सामने इस पर झपट्टा मारेगा? नहीं, क्या थुक थुक की बात कर रहे हैं यार। अबे यार सुन राजा, तूने राहुल को किडनैप करवा के मेरा काम और आसान करवा दिया है। अब मेरी जिंदगी के सारे सपने पूरे होंगे। इधर नकली राहुल बनने पर मैं तुझे गिरफ्तार करवा दूंगा और उधर पैसे ना मिलने पर टाइगर राहुल को खत्म कर देगा। बेटे की लाश देखकर मां सदमे से मर जाएगी और रहा वो लंगड़ा बूढ़ा बाप अपनी बीवी और जवान बेटे की लाश एक साथ देखकर उसकी तो सांस ही रुक जाएगी। भाभी माँ, तू मुझे गलत मत समझ, मेरा राहुल कहाँ है? बोल, मेरा राहुल कहाँ है? बता बता, मेरा बेटा कहाँ है? बताता क्यों नहीं? माँ, तुम्हारा राहुल टाइगर की गिरफ्त में है। ये सब तूने क्यों किया? इन पैसों के लिए? ले ले ये सारे पैसे, ले ले सारी दौलत, ले ले मेरी, लेकिन मुझे मेरा बेटा वापस ला दे, मेरा राहुल ला दे मुझे। माँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ, छोड़ मुझे। माँ मैं सच कह रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरे बेटे की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैं तुझे वादा करता हूँ कि मैं भले ही अपनी जान गवा दूंगा लेकिन तेरे लाल की जान बचा लूंगा, इसलिए इसलिए कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। अमीर बनने की लालच में मैंने ये सब गलती की और अब तेरे घर को बर्बादी से बचाना भी मेरा ही फर्ज है। माँ माँ, मैं पैसे लेकर सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं टाइगर को यकीन दिला सकूँ कि मैं उसका आदमी हूँ। ये जायदाद के पेपर्स ये सब झूठे हैं। मैं इन पर दस्तखत कराने के बहाने ये पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर उन लोगों ने राहुल को छुपा कर रखा। ना तो मुझ पर शक कर रही? नहीं नहीं माँ, तू मुझ पर शक मत कर, मुझ पर यकीन करने के अलावा तेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर तू ये पैसे लेकर मुझे जाने नहीं देगी तो वो लोग तेरे राहुल को मार देंगे। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, पाँव पड़ती हूँ। नहीं माँ नहीं, तेरे हाथ मेरे पाँव छूने के लिए नहीं, मेरे सर पर रखकर आशीर्वाद देने के लिए। माँ नहीं भाभी, नहीं, इस धोखेबाज बहरूपिये पर बिल्कुल विश्वास मत करना। तो किस पे करूँ विश्वास? अरे जिन अपनों पे विश्वास किया उन्होंने तो मेरे बेटे को ही दांव पे लगा दिया। अरे अपनों से तो ये गैर ही अच्छा है जो आज मेरे राहुल के लिए अपनी जान दांव पे लगाने को तैयार है। क्या नहीं दिया भैया तुम्हें इस घर ने? दौलत, इज्जत, प्यार, और बदले में तुमने क्या देना चाहा? हमारे जवान बेटे की मौत। शायद भगवान ने इसीलिए तुम्हें बे औलाद रखा। चल राजा, मैं तेरे साथ चलूंगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जा सकता, वहाँ बहुत खतरा है। मैं अपने बेटे के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकती हूँ। माँ मेरी बात मानो। माँ मैंने कहा ना, मैं तेरे साथ चलूंगी, बस। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ही शर्त पर वहाँ लेके जाऊंगा। मैं राहुल की भलाई के लिए वहाँ पर कोई भी बर्ताव करूँ तुम्हें चुपचाप बैठकर तमाशा देखना पड़ेगा, एक शब्द भी नहीं बोलना होगा तुम्हें, तुम्हें राहुल की कसम। आमा रुकिए भाभी, मैं भी साथ चलूंगा। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे प्रायश्चित करने का मौका दो, मैं भी साथ चलूंगा। आजी कहां शहीद होने चले, जिन्हें खुद मौत के कुएं में गिरने का शौक चढ़ा है उन्हें जाने दीजिए। तेरी वजह से कमीनी, तेरी वजह से मैं इंसान से हैवान बना रहा,
और मैं बेअकल ये भी भूला रहा कि हमारी असली जायदाद, हमारी असली दौलत तो हमारे ये रिश्ते ही होते हैं जो हमें विरासत में मिलते हैं। अरे भगवान ने हमें बेऔलाद रखा, अगर हम राहुल को ही अपना बेटा मान लेते तो हमारी जिंदगी की ये कमी पूरी हो जाती। चलो राजा, तुम लोगों के साथ चलते। चाचा जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। देखिए, हम लोग एक साथ जाएंगे तो सब एक साथ फंस जाएंगे। हम लोग आगे जाते हैं, आप पीछे पीछे आ जाइए, ताकि अगर हम लोग फंस गए तो कम से कम आप तो ठीक 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 बजा लीजिएगा हम लोग को। चल 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 चल। बंटी, इसे बूमरांग कहते हैं, इसे यूं फेंकते हैं ऐसे। देखा सर? अब तुम फेंक के दिखाओ। जाओ बंटी, लेके आओ। जी। चलो पपीदो। ओके, गॉड ब्लेस यू। अरे, ये तो वही अंकल है जिन्होंने मेरे लिए 2,50,000 रुपए दिए थे। लगता है मुसीबत में, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कौन है ये? ये माँ है। माँ? माँ? राहुल की जी। इसे यहाँ क्यों लाए हो? टाइगर भैया, आप भी ना बहुत भोले हो। भोले आप क्या समझते हो कि राहुल ऐसे दस्तखत कर देगा? अगर वो दस्तखत नहीं करेगा तो उसकी माँ है ना हमारे साथ। मुझे नहीं लगता इतना कमीना आदमी है कि पैसों के लिए अपनी माँ को। ये देखिए, ये है जायदाद के पेपर्स और ये है पूरे 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए? 5 करोड़ रुपए? अरे कहाँ पे, मुझ पे शक कर रहे थे कमीना। क्या? राहुल कमीना कहाँ है? उसको बुलाइए इधर, उसे दस्तखत करवाते हैं और पूरी जायदाद हड़प कर लेते हैं हम लोग। मुझे मेरे राहुल के पास। तुम जाना बोलने का नहीं, तुमको मालूम है मैं बहुत खतरनाक आदमी है। मैंने बोला था कि अपना मुंह मत खोलना वरना सब खेल बिगड़ जाएगा तुम्हारा। कहाँ है राहुल? राहुल कहाँ है जी? चलो। राहुल, ज्यादा नाटक किया तो तुम्हारा राहुल गुल हो जाएगा। एक बार हम दस्तखत करा ले, उसके बाद तू जिंदगी भर इसको अपनी गोद में लेकर रोती रहना, समझी राहुल? क्यों है? पहचाना मुझे? पहचाना कि नहीं? पहचान लेता तो अच्छा होता, लेकिन मैं बेवकूफ तुझे भोला भाला और अनाड़ी समझता रहा। ये समझता रहा कि तूने भोलेपन में मुझे किडनैप कर लिया था, लेकिन आज तेरी असलियत मेरे सामने आ गई। चल अभी चुपचाप दस्तखत कर दे वरना फिर टेप मार दूंगा चमन। तू मेरी जान भी ले लेगा ना तो भी मैं दस्तखत नहीं करूंगा, समझा तू? अगर तू दस्तखत नहीं करेगा तो टाइगर भाई तेरी माँ की खोपड़ी उड़ा देगा, खोपड़ी। अबे बेवकूफ, दौलत के लिए अपनी माँ को मत गवा, क्योंकि माँ दुनिया की एक ऐसी दौलत होती है जो इंसान को सिर्फ एक बार नसीब होती है, वो भी तो जैसे नसीब वालों को। वरना कुछ लल्लू तो ऐसे होते हैं जिनको माँ के दीदार ही नहीं होते। बोल, दस्तखत करता है कि नहीं? बोल बोल। ये बेचारा दस्तखत कैसे करेगा, इसके तो हाथ बंद है। टाइगर खोल दे इसके हाथ। ठीक है भाई, खोल देता हूँ। मैं कहता हूँ इन कागजात पर चुपचाप दस्तखत कर दो वरना तेरी माँ मर जाएगी, मैं बोल रहा हूँ। अबे मैं बोल रहा हूँ।
कमीने, तूने 100 करोड़ के कागजात नीचे फेंक दिए। टाइगर भाई, टाइगर कागजात लेकर आओ। अगर एक कागज भी खो गया ना तो लफड़ा हो जाएगा। अरे जाओ ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो यार। राणा, बाबू। राहुल, जल्दी से अपने कपड़े उतार के मेरे कपड़े पहन लो। ये कौन सी नई चाली तेरी यार? जल्दी से कपड़े उतारो, मां समझाओ ना इसको। राजा जो कहता है वही कर बेटा, मैं तुझे बता दूं कि सच्चाई क्या है। लाओ, लाओ। जल्दी कर बेटा, जल्दी। राहुल, वो आ रहा है। राहुल टाइगर आ रहा है। राजा, तुम लोग जो कर रहे हो ना, तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। और टाइगर, तुम भी जो कर रहा है ना, देख लेना। चुप। साइन कर, साइन कर। बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों, ठीक है? देख लेना। एक एक को अंदर करवा दूंगा मैं, कुछ नहीं होने वाला इससे। मुझे छोटा आदमी मत समझना। ये क्या कर रहे हो तुम? तो जानते हो, पैसा हाथ में आने के बाद मैं किसी को छोड़ता नहीं। राजा, राजा, नहीं नहीं नहीं, मैं राहुल हूं। माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। इतनी लंबी चाल चली मेरे साथ, जानबूझकर कागजात नीचे फेंके गए जिससे मैं नीचे चला जाऊं और राजा को राहुल बनने का वक्त मिल जाए। दस्तखत कर। तुम मां को लेकर जा। आओ मां। Come on, राजा। Oh!
बच गया। तेरी तो ऐसी तैसी। ये क्या है? ये जी, नाक में उंगली मत कर, नाक में उंगली मत कर। अबे तूने तो ऐसा काम किया है ना तूने कि तेरी तो जिया डंडा 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 घुसर देना चाहिए तेरी नाक में। बात करते हैं, नाक में उंगली मत कर। हाँ अरे भाई देख क्या रहे हो, टूट पड़ो जी। मार मार के कुत्ता बना दो टाइगर को। अरे रुक जाओ, देखो एक हाथ कोई चीज टूटे इसकी। अबे ओ चमगादड़ की औलाद, उल्लू के पट्टे हरामजादे कमीने फ्लॉप विलेन, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे भतीजे को जान से मार देना चाहता था? अरे इसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। अब तू ना घर का रहेगा ना घाट का, ले जाओ उसे उल्लू का पट्टा घटिया बेटा। चल गया तो दे, चल 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 सीधे चल। राहुल बच्चे मेरा राहुल। थैंक यू बॉस। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पप्पी देनी पड़ेगी। गॉड ब्लेस यू। राजा जी तूने जो किया सो किया, लेकिन आज तूने हमारे भतीजे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कुछ नहीं कुछ नहीं, चलता है। अरे पगले, मैंने तुझे माफ कर दिया। बस माँ बेटे को मिलाना था मिला दिया, मेरा काम पूरा हो गया। माँ जी है? चल। नहीं बेटा,
तूने हमारे दिल में जगह बना ली है, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों नहीं? क्या है ना माजी, वैसे तो मैं आपको अपनी माँ ही समझता हूँ, मगर दुनिया वाले सोचेंगे साले को चांस मिल गया तो साला घर में ही घुस गया। नहीं राजा, तुमने अपनी जान मेरे लिए दांव पे लगा दी, ऐसे तो सगा भाई भी अपने भाई के लिए नहीं करता है। अरे काय का यार, मेरी वजह से तो तुम फंसे हो। मैंने कह दिया ना तुम हमको छोड़कर नहीं जाओगे। हाँ? आज से मेरे एक नहीं दो बेटे हैं। मेरे को मालूम था कि मैं एक दिन बहुत अमीर आदमी बनूंगा। आज मुझे माँ मिल गई, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी। सच्ची लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़ मैं हो गया दीवाना। मैं मजनू मजनू चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के, मैं तेरी लैला बन जाऊंगी कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़ मैं हो गई दीवानी। मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के।